Hi guys, welcome to the session. I would request all the session students to quickly join into the session and share it as well so that maximum students can join in and benefit from this same. Today again NDA and CDS exams are over. So I hope aap sabhi ne NDA CDS ka jo paper hua hai acche se diya hai and I hope wo paper acha hua hai. So sabse pehle to ye batao ki paper kaisa raha NDA CDS ka jo padha usse fayda hua. और क्या परफॉर्मेंस है, व्हाट डू यू थिंक इज योर फ्यूचर, क्या हो सकता है, वेदर यू आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड और नॉट, व्हाट आर योर फियर्स, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस दैट यू फेस्ड, ऑल ऑफ दैट एंड मच मोर. फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. यस, एनडीए सीडीएस की कट ऑफ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम का एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उन पे भी हम बात करेंगे, वी वुड टॉक अबाउट इट. बट आज का जो सेशन है उसमें यही सब फोकस, द मेन थीम ऑफ टुडेज डिस्कशन इज दिस ओनली, दैट ये जो एनडीए और सीडीएस का रिटर्न एग्जाम अभी हुआ है, हाउ टू गो अबाउट द फ्यूचर, अब के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट वन शुड टेक इन दिस जर्नी सो एज टू एंश्योर कि जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, बी इट CAPF और बी इट योर SSBs, उनको कैसे अप्रोच किया जाए. एंड आप में से काफी सारे होंगे जो रिटर्न को क्लियर कर रहे होंगे, काफी वो होंगे जो दुविधा में होंगे कि यार क्लियर होगा या नहीं होगा, या सम ऑफ यू वुड बी जो डाउन राइटली नो कि दे आर गोइंग आउट, तो उन सभी के लिए आज का सेशन इंपॉर्टेंट है. रिति, क्लासेस आर स्टार्टिंग यार, क्लासेस हैव ऑलरेडी, वी हैव टेकन ऑलरेडी अ लॉट ऑफ क्लासेस, यू कैन जस्ट चेक आउट द यूट्यूब एंड यू वुड फाइंड इट. सो आज के सेशन का जो मुख्य मकसद है वो है कर्नल भरवान वुड अगेन बी ज्वाइनिंग अस इन टुडेज सेशन एंड ही वुड बी देयर टू गाइड यू कि यार आगे का प्रिपरेशन जर्नी क्या होनी चाहिए. एज लिमिट CAPF की 25 ईयर्स है फॉर जनरल कैटेगरी एंड OBCs, SCs एंड STs के लिए रिस्पेक्टिव एंड इफ यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट यू हैव एज रिलैक्सेशन. सो फाइनल कॉल टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज शेयर द सेशन सो दैट वी कैन इन्वाइट अवर वर्दी गेस्ट टू वर्दीशाला. हमारे वर्दी गेस्ट कर्नल भरवान वुड बी गाइडिंग ऑल ऑफ यू. ही इज अ मैन ऑफ एक्सीलेंस, ही हैज बीन अ पैरा ट्रूपर, ही इज एन इन्फेंट्री मैन ऑफ द गोरखा रेजिमेंट एंड ही वुड बी गाइडिंग यू कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड दैट ऑल ऑफ यू शुड बी टेकिंग इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट यू कैन डॉन द यूनिफॉर्म ऑफ योर ड्रीम. सो विदाउट मच अडू लेट्स इन्वाइट सर टू टूडेज सेशन. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू क्विकली शेयर द सेशन. सपोज दैट वी आर लाइव, प्लीज शेयर इट ऑन योर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स दैट यू हैव सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस लाइव. वट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क इट इन द कमेंट्स एंड वी वुड हैव अ लुक एट इट. ओके, सो जो भी आपके डाउट्स हैं रिटर्न एग्जाम, SSB, किसी भी स्टेज को लेके, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट्स एंड वी वुड बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू इट. सर वुड टेक ऑल योर क्वेरीज. हेलो सर, वेलकम टू द सेशन. सर इफ यू कैन जस्ट टर्न अराउंड द कैमरा. I guess it's on the back side. Yeah, it is on the back side. I'm just doing it. Just give me a moment. Guys, whatever doubts you have, please shoot them in the comments and we would try to take as many doubts as possible because we know NDA and CDS written exam has just happened on 10th. A few opening remarks of the exam, since many of you were asking, the paper was on the easier side this time comparative to the last year. But again, that doesn't mean that the cutoff would shoot up drastically. It would increase but not drastically. So that was about the written. Regarding the answer keys are available on Telegram channel, so you can watch those answer keys. NDA and CDS में current affairs को लेकर काफी सारे question प्रचंड से फंसे हैं. Especially जो आप देखोगे majority of the one liner type के जो भी current affairs थे सारे प्रचंड से आए हैं. तो जिन्होंने session attend किया हुआ है they would know and they would be in a good position to respond कि कैसा रहा. SSB की preparation start करने के लिए already we have taken कल की series, तो SSB को लेके कल की series already चल रही है. You can go and watch that series. कल की में क्या क्या advantages हैं आपके, कल की में एकदम it's a complete back end to end coverage of your SSB, so you can watch that. Communication skills को लेके sir would be discussing in today's session, don't worry. Just share the session quickly so that maximum students can benefit. Sir has been kind enough to take out time and attend today's session to answer your queries and give general perspective of what to do now after the written is over. Welcome to the session, sir. Thank you for your time. Hi, Anani. Come on, don't say thanks. Yeah. It's always a pleasure to get connected to you and youngsters, you know. Kaisa? Yes, sir. How are you? Badiya, sir. Badiya, sir. I am great, sir. Sir, CDS...
सीडीएस और एनडीए का रिटर्न एग्जाम हो गया सर, काफी सारे स्टूडेंट्स काफी एंशियस हैं कि क्या किया जाए, या रिटर्न हो गया, किसी को लग रहा है कि बॉर्डर लाइन पे है, किसी को लग रहा है कट ऑफ को स्पेक्युलेट कर रहे हैं, काफी लोग एकदम ही श्योर शॉट हैं कि निकल रहा है एसएसबी की तैयारी को लेकर। तो सर क्या ओपनिंग मैसेज क्या रहेगा इन सबके लिए? बताऊंगा बट उससे पहले आई वॉन्ट टू आस्क ए क्वेश्चन. दाढ़ी कहाँ गई तेरी पुशवा वाली? है ना, आई थॉट यू विल बी सेइंग है ना, झुकेगा नहीं साला. वेयर योर बियर्ड इज गॉन? बस बट फॉर अ चेंज यू लुक मोर फ्रेश, है ना, गुड. थैंक यू ओके सर। अक्षय, यू नो लॉट ऑफ कॉल्स है ना वो कमिंग टू मी. जब एग्जाम चल रहा था ना उससे पहले कॉमन फैक्टर पहला तो था एंग्जाइटी कि सर बहुत एंग्जाइटी है, क्या करूं मैं, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट. मैं तैयारी करी नहीं करी, मैं तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं. पहला कि सर मैंने बहुत दिल लगा के तैयारी की थी, ईमानदारी से मैंने तैयारी करी है, मैं फिर तो घबराने की जरूरत नहीं है. क्यों यार, आपने जिस चीज के लिए तैयारी करी है वो आ गया, मौका भी अभी फिर लगा के दिखाओ आप चौका, यू नो. तो अगर तैयारी अच्छी चीज से करी है तो फिर एंग्जाइटी होने का मतलब ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता. यू शुड बी हैप्पी कि आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई टारगेट, यू नो. नाउ द शो टाइम हैज कम एंड आई नो आई एम गोइंग टू हिट सक्सेस. मैं तो इसका मतलब ये है बेटा, मैं तैयारी नहीं करी आपने ढंग से, और करिए तो कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है. दूसरा रीजन ये है, पैल्पिटेशन होने का, एंग्जाइटी आपको इसलिए हो रही है कि बिकॉज आपने आधी अधूरी तैयारी करी है. आधा काम कभी सफल नहीं होता, कुछ भी चीज हो, है ना. 7 दिन पहले एकदम से एहसास हुआ कि अरे यार बहुत सिलेबस छूट गया मैंने, और पहले तैयारी शुरू करनी चाहिए थी. मैं कुछ एक सिनेरियोज हैं, अदरवाइज है ना एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए. सो दैट्स नॉट ए गुड इंडिकेटर. जब एग्जाम पास आ गया ना, मजबूती महसूस होनी चाहिए, कमजोरी नहीं होनी चाहिए. सो ये बड़ा कॉमन फैक्टर है एक एंग्जाइटी वाला, दैट इज वन. एंड मैं उनको ये बताता था, मैं कैन यू डू इट समथिंग अबाउट इट. अगर नहीं कर सकते जस्ट आराम से रिलैक्स, जितना पढ़ा है उतना भरोसा रखो और कम से कम उतना अच्छे से करो. अभी 10 दिन रह गए हैं, रादर देन रिग्रेटिंग एटलीस्ट आखिरी के जो 10 दिन बचे हैं उसमें बहुत मेहनत करो, यू नो, जितनी कर सकता है. कम से कम अफसोस नहीं होगा, इतना वो रहेगा कि मैंने यार कम से कम 10 दिन ईमानदारी से किया तो मैंने इतना नतीजा निकाला. अगर मैं है ना 2 महीने लगा करके अच्छी तैयारी करता तो डेफिनेटली मैं कर देगा. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, की भी एग्जाम हो गया हम लोगों का, वॉट एग्जैक्टली वॉज योर क्वेश्चन अक्षय, एक बार मुझे बताना जरा. आई वॉन्टेड टू से सर समथिंग उसमें बट काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं सर, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे अब क्या करें, वो एक रिलैक्स के मोड में चले जाते हैं कि यार अब तो एग्जाम हो गया, अब फेल हुए तो फेल या हुए और एसएसबी जब आएगी तब करेंगे। नाउ इससे रिलेटेड 2-3 चीजें मैं, यस आई वुड लाइक टू टच अपॉन. अब क्या करें, अब क्या करें इसमें है ना. मेरे को बहुत लोगों ने पूछा सर अभी हमें क्या करना चाहिए, तैयारी कब शुरू करनी चाहिए. एक होता है सेल्फ रियलाइजेशन, एग्जाम से पहले एंग्जाइटी हो रही थी. इट इज समथिंग लाइक जब एग्जाम होता है ना, आप देखना कभी भी एग्जाम में बहुत नींद आती है जब आप पढ़ते हो, और जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाता है ना उस दिन कितनी भी रात भर पढ़ाई करी फिर नींद नहीं आती. अभी ना वो पीपल आर कंफ्यूज कि एग्जाम खत्म हो गया अब क्या करना है. इसमें 2 तरह के लोग देखे मैंने. पहले वो स्टूडेंट्स हैं जिनको है ना रियलाइजेशन 7 दिन 10 दिन पहले आया था, एंड दे टेक इट वेरी लाइटली. कह रहे यार छोड़ो एग्जाम हो गया खत्म, अब तो अगली बार देखेंगे. बट वो कब देखेंगे, दे हैड नॉट डिसाइडेड. दूसरे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आते ही बिल्कुल चेक किया कि आजकल तो आंसर्स किस आ जाती हैं, क्योंकि दीज आर द आंसर्स, मेरा स्कोरिंग इतना जा रहा है, ठीक है. एंड उसमें एक और है ब्रीड, वो और एक कदम आगे है. वो कहता है कि तकरीबन कट ऑफ इतना जाना चाहिए, इवन इफ आई टेक इट ऑन द प्लस साइड आई एम डेफिनेटली माई इंटरव्यू कॉल इज ऑन द वे. वो विदाउट वेस्टिंग टाइम एक दिन आराम करके ना, वो दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फॉर द एसएसबी. सो अप्रोच जो है ना वो सबकी अलग अलग है. मेरा सुझाव ये है, अभी नाउ मेनी पीपल दे आर आस्किंग मी कि सर आई एम अपेयरिंग फॉर द एनडीए एग्जाम आफ्टर 6 मंथ्स और आई विल बी अपेयरिंग नेक्स्ट ईयर. ऐसे भी लोग हैं जो 10th में हैं, दे हैड गॉट इन टच विद मी एंड दे आर आस्किंग, या उनके पेरेंट्स बात कर रहे हैं कि जी बच्चा अभी 10th में है, 12th में फिर आएगा तो एनडीए का एग्जाम देगा. तो आपको क्या लगता है तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? मेरा मानना है यार, इफ यू रियली पैशनेट अबाउट समथिंग एंड आपको चाहिए, आपको है ना, जो आप बोलते हो कि यार ये मेरी बुनियादी जरूरत है, मुझे जाना ही जाना है, यूनिफॉर्म अपनी हासिल करनी है, टू डू एनी गुड जॉब, कोई भी काम करने के लिए, शुरुआत करने के लिए नाउ इज द आंसर. दिस इज द बेस्ट टाइम, ठीक है. कि अभी तो कोई बात नहीं, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, बाद में मैं 2 महीने में रगड़ दूंगा, 1 महीने में. यार किसने देखा है आखिरी का लास्ट का 1 महीना? हो सकता है आदमी बीमार पड़ जाए, कोई घर में हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए, कंटीजेंसी आ जाए. अगर आप अभी आज की तारीख में काम करने के लिए तैयार नहीं हो एंड यू आर थिंकिंग कि मैं बाद में करूंगा, दैट इज विशफुल थिंकिंग. सो द आंसर लाइज इन दीज 3 अल्फाबेट्स, दैट इज एन ओ डब्ल्यू. नाउ नाउ इज द टाइम व्हेन एनीबडी शुड ना शुड स्टार्ट रादर देन डिपेंडिंग. अभी इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मैंने देखा है कि ना दे आर वर्किंग ऑन अ कट ऑफ. मैंने बार बार बोला है यार कट ऑफ हर साल ना फ्लक्चुएट होगी, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी. अगर तेरे जैसे लोग उतर गए सारे अक्षय है तो फिर तो कट ऑफ कहाँ जाएगी है ना, गॉड ओनली नोज. फिर तो आदमी मुश्किल ही पार कर पाएगा, ठीक
ठीक है, लेकिन अगर कुछ लोग नॉर्मल भी आए मैदान में मेरे जैसे आ गए, कुछ लोग आ गए तो कट ऑफ थोड़ी नीचे भी जा सकती है. सो लक प्लेज अ मेजर रोल, बट व्हाई यू वांट टू बी डिपेंडेंट एंड फॉर दैट मैटर एनीवन शुड बी डिपेंडिंग ऑन द लक. यू मेक योर ओन लक. आप इतनी मेहनत करो कि भैया मैं बिल्कुल क्लियर कर जाऊंगा. अब वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कट ऑफ में देख रहे हैं ना, उनको आइडिया तो है कि प्रॉब्ली आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट. उम्मीद में दुनिया कायम है ना, दे आर रनिंग ऑन दिस फिलोसफी कि ठीक है शायद ना हो जाए. अभी मेरे को जितने कॉल आए ना, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू स्टैट्स, इफ 200 पीपल हैड कॉल्ड मी ना, किस तरह आई वांट टू प्रिपेयर फॉर अपना दिस थिंग, मैं एग्जाम कैसा हुआ पहले ये बताऊं, तो कहता सर कट ऑफ सर तकरीबन अगर इतने तक गया तो मैं चला जाऊंगा. नॉट इवन ए सिंगल गाय हैड टोल्ड मी कि सर मेरे इतने नंबर आएंगे. जो बात करता है ना वो कट ऑफ के हिसाब से बताता है, या फिर कहता सर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर ना मेरा एग्जाम ऐसा हुआ. अरे मैं पिछला साल तो हिस्ट्री है भाई, वो तो खत्म होगी बात, तुम इस साल की बात करोगे, इस साल तुमने क्या किया. ठीक है ना, सो दैट इज द थिंग. टाइम, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ, दैट इज वन. एंड दूसरा, पिछले साल से अपनी परफॉर्मेंस को कंपैरिजन मत नहीं करो. इस बार गेम में नए प्लेयर्स थे, ठीक है, इस बार नए रिकॉर्ड बनेंगे, नए रिकॉर्ड टूटेंगे. आपने भी पिछले साल परफॉर्मेंस कुछ और दी थी. इफ यू रियली वांट टू कंपेयर, देन डोंट कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद योर ओन सेल्फ और विद एनीवन. इस साल पेपर अलग था, नतीजा भी अलग आएगा. ठीक है सर, यही कट ऑफ पे भी मैं भी सर एक मतलब मेरा भी बहुत वो फर्म व्यू है कि जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उससे इमेजिन कर लो एक दो नंबर कट ऑफ लो है, बिकॉज एनीवेज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट स्टेज. कट ऑफ पे स्पेक्यूलेट कर का वुडेंट टेक यू एनीवेयर. और अगर ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम की तैयारी छोड़ देगा एस्पिरेंट की, एक बार अगर नहीं क्रैक हुआ तो मतलब अब इसका मतलब तो है नहीं, इट्स द एंड ऑफ द रोड. अगर अगर आप उसको ही कट ऑफ में अगर एलिमिनेट होके पहले ही ये गिव अप कर दे रहे हो तो फिर आपको फोर्स के लिए प्रिपेयर ही नहीं करना चाहिए. सो जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं इमेजिन करो उससे एक नंबर लो कट ऑफ है एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम. सो सर नेक्स्ट स्टेज एसएसबी जो होती है सर, वो एसएसबी को लेके काफी सारे मिथ्स हैं मार्केट में. तो सर व्हाट इज एसएसबी फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? जैसे वी से एसएसबी शी सेलेक्ट्स द बेस्ट, सर आपके हिसाब से एसएसबी क्या है और व्हाट इज द असेंशियल थिंग दैट एसएसबी इज लुकिंग फॉर एंड कैसे प्रिपेयर किया जाए उसको? अक्षय, मेरे हिसाब से तो यार एसएसबी ना इतना कोई बड़ी चीज है नहीं जितना बड़ा बना रखा है. एंड मैंने ये रियलाइज किया, मेरे को ऐसे ऐसे कॉल आए हैं पिछले कुछ दो तीन दिन के अंदर. आई विल शेयर विद यू यार, आई एम टेलिंग यू, दो तीन कॉल तो आज ही आए हैं. इट वॉज वेरी अलार्मिंग. लाइक वन ऑफ माई कैंडिडेट एनसीसी का है, गुड चैप है ना, योगेश. जब मेरिट लिस्ट आउट हुई तो ही इज नंबर वन ऑल इंडिया रैंक इन एनसीसी बैच है ना, एंड ही फिगर्ड आउट इन द मेरिट लिस्ट. Now, as I mentioned earlier, he had been to 11, 12 academies. है ना? अब 11, 12 academies में गया है, भाई उसने जगह-जगह academies change करी, whether it was Lucknow or Bangalore, anywhere. अब वो सारे उसको contact कर रहे हैं. The kind of the things that are being told to this guy, he says कि सर आप ठीक बताते हो ना कि है ना दुनिया ऐसी नहीं है. But I started losing confidence when I see ना people from the same fraternity, है ना, whether it is retired army officers. और है ना somebody else or the civilians, those who are doing this job. वो कहते हैं हम आपको ना यू कम ऑन द इंटरव्यू, हैव ए शॉर्ट इंटरव्यू विद अस, वी विल पे यू फॉर दिस. कोई कह रहा है कि हम आपकी ना एयर टिकट करा देंगे जाने के लिए अकेडमी में, दैट इज ऑन अस. वन ऑफ देम है ना हुज फादर, गॉड ब्लेस हिज सोल, वाज रनिंग एन अकेडमी, नेवर हर्ड ऑफ दिस जेंटलमैन, एन आर्मी ऑफिसर, हिज सन इज नाउ रनिंग अकेडमी. नाउ ही हैड गॉन अ स्टेप फर्दर, ही सेज कि पापा तो हमेशा आपको है ना ऑफिसर देखना चाहते थे, एंड उनको बड़ा अच्छा लगेगा, जो कि आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी कि आप ऑफिसर बन गए. यू आर ऑलवेज हिज फेवरेट स्टूडेंट. ब्लडी बर्गर, वेयर वाज ही यार, दिस गाय है ना फॉर लास्ट टू इयर्स है ना, व्हेन ही वाज रनिंग फ्रॉम पोस्ट टू पिलर. मतलब एटलीस्ट यार एक आदमी जो अपना काम ड्यूटी करके चला गया आप उसको तो बख्श दो. टू थिंग्स है ना यहाँ पे अबाउट एसएसबी प्रिपरेशन. एसएसबी इतना बड़ा हुआ है नहीं जितना बना रखा है लोगों ने. एंड दो चीजों पे काम करती है इंडस्ट्री, मैंने देखा. इट इज बिकम ए ब्लडी बिग बिजनेस एंड रैकेट, आई वुड से. यू नो एसएसबी की ट्रेनिंग तो मैं भी देता हूँ, ठीक है, बट देन आई डोंट, लोग बोलते हैं कोचिंग, ऐसे मैं कोचिंग नहीं देता भाई. ठीक है, ट्रेनिंग यस यू कैन कॉल, बट आई डू मेंटोरशिप. तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, ठीक है, तो मेरे को 50 लिस्ट आउट कर दो इसे, मेरे 100 केजी का वजन है, मेरी प्रॉब्लम, मैं अपने आप देख लूंगा. सर मुझे पब्लिक में डर लगता है, मैं देख लूंगा. बट दो चीजें हैं जो मार्केट में काम कर रही है. नंबर वन, पहला, यू पेंट ए पिक्चर की एसएसबी इज ब्लडी हुआ, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता, ये है वो है. अरे यार बड़ा कॉमन सेंस है, छोटी सी बात है. अगर 300 लोगों की वैकेंसी है, अगर 300,000 लोग भी जा रहे हो इंटरव्यू में, तकरीबन 5,000 से 6,000 लोग जा रहे हैं भाई, जितना भी आप कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस दे दो, ठीक है, मेरिट लिस्ट के हिसाब से तो वो 300 सीट है तो 300 ही लोग जाएंगे. यू नो
देर आर सर्टेन पैरामीटर्स ऑल्सो. सो इस चीज को लेकर के इतना हवा बना रखा है ना, देर इज लॉट ऑफ फेयर इन द एनवायरमेंट एंड पीपल नो हाउ टू प्ले ऑन द फेयर. दिस इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन कि डरा करके रखो, डर के आगे मेरा आदमी मोर बन के नाचता है तो अरे बहुत मुश्किल है, तुमसे हो नहीं पाएगा, ये है वो है, ये रिजेक्ट हो गया वो हो गया. अरे इतना डराने की जरूरत नहीं है यार, तुम पहले डराओगे तो लोगों को लगता है भाई बिना कोचिंग के तो नहीं हो पाएगा. मैं कहता हूँ एक एग्जाम्पल तो तुम्हारे सामने बैठा है, मेरे को तो घंटा नहीं पता था क्या है, और ऐसे बतेरे एग्जाम्पल है जिनको नहीं पता था क्या है. ना उस समय गूगल था, ना कोई सर्विसेज थी, सिखाने वाला भी कोई इक्का दुक्का था, तब कैसे जा रहे थे लोग यार. टुडे अवेयरनेस लेवल इज डैम हाई, लोगों को यह पता है कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है. एक चीज मानो तो 50 लोगों के वीडियोस देखने के लिए मिल जाते हैं, 50 तरह के आपको रिटन डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, 1000 लोगों ने एकेडमी खोल रखी है, ठीक है ना. सबका कुछ ना कुछ प्लस माइनस अपना तरीका है, बट दे आर ओवर प्लेइंग ऑन द फियर. सो प्लीज एन फॉर गॉड सेक स्टॉप फियरिंग फ्रॉम द SSB. वहां आज तक या तो मुझे बताओ किस तरह एक आदमी SSB अटेंड कर रहा था, वो डर के मारे उसकी जान निकल गई. नो, नोबडी डाइड एवर फेसिंग SSB. अच्छा आदमी है, वो मेरिट लिस्ट में नहीं आया, बट ही स्टिल लर्न गुड वैल्यूज, है ना, कुछ सीख के आता है. So people are playing on your fears. Please stop getting scared of SSB. It is not a hawa. It is a simple thing. आपको ये पता होना चाहिए काम कैसे होता है, कितने टेस्ट होते हैं, किस तरह से होते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो. एक आधा धुंधर मैंने ऐसा भी देखा है विच आई गॉट टू नो yesterday only. वो मेक्स क्लेम की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है. एंड टिल दैट टाइम आई हैड सम रिस्पेक्ट, है ना, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस गाय कि ही सीम्स टू बी जेन्युइन. नाउ ही सेज कि प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है. अरे यार अगर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं तो तुम अकेडमी क्यों खोल के बैठे हो, बंद क्यों नहीं करते? ये एडवाइस तो फ्री में भी दी जा सकती है कि प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, ऐसे चले जाओ बिंदास. यार एक बच्चे को अगर आपने पॉटी ड्रिल भी सिखानी है ना, उस छोटे से बच्चे को जो बोल नहीं सकता, दैट ऑल्सो डिमांड्स प्रैक्टिस. उसको बताना पड़ता है बेटा ऐसे बैठते हैं, ठीक है, व्हेन यू आर इन अ प्रॉब्लम दिस इज द प्लेस वेयर व्हिच यू शुड यूटिलाइज फॉर दिस ड्रिल. ठीक है, खाना बच्चे को आप सिखाते हैं कि बेटा ऐसे प्रैक्टिस करनी है, कपड़े पहनना सिखाते हो बच्चे को, लेसेस बांधने नहीं आते शुरू में. टेल मी वन थिंग इन लाइफ जो बिना प्रैक्टिस के होती है, यू योरसेल्फ हैव बीन ऑलरेडी रैंक वन. बिना प्रैक्टिस के कर लिया था, अच्छे अच्छे सेल्फ प्रैक्टिस करो यार, फॉर दैट मैटर कर लोगे, कमाल की बात है. आप इतनी मोटी फीस लेते हो, ठीक है, एडमिशन देने के बाद कहते हो प्रैक्टिस नॉट रिक्वायर्ड, तो यार ये इतनी गोल्डन एडवाइस देने के लिए अपनी फीस ली थी. एंड देन उसके बाद में अनदर प्रॉब्लम विच आई हैव रियलाइज, लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर वेरियस एकेडमीज, दे आर अप्रोचिंग मी, दे कॉल मी. इनिशियली आई थॉट है ना, आई डोंट, आई एम डेड अगेंस्ट कि नो नेम्स टू बी टेकन, किसी के बारे में नहीं बोलना, सब अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं. पीपल आर वाइज, यू मेक योर ओन डिसीजंस. बट देन व्हेन दे कम ना फ्रॉम 10 डिफरेंट प्लेसेस एंड दे टेल मी कि सर वो बोलते हैं प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर देन फीस किस चीज की दी थी, मैं करेक्शन क्या दिया आपने जब गलती करी? उन्होंने बोला तुम्हारे में ही प्रॉब्लम है. तो मैं भाई जब आपने फीस दी है तो फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं है, फिर उनकी प्रॉब्लम है जिन्होंने आपसे फीस ली है. एंड यू शुड डिमांड योर राइट कि सर आपने प्रॉब्लम तो बता दी मेरे, में इलाज भी करो जरा इसका. आप डॉक्टर के पास जाते हो कंसल्टेंसी के बाद में भी फीस तो लेता है ना आपसे वो, लेकिन आपको बताता है डायग्नोज करके कि जी ये चीजें प्रॉब्लम है, आप शुगर बंद कर दीजिए, ये मत करिए. नाउ दिस काइंड ऑफ होमवर्क इज नॉट बीइंग डन इन द एनवायरनमेंट, दैट इज द सेकंड थिंग. माय थर्ड ऑब्जर्वेशन, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन बट उससे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं आपसे, है ना. एक तीसरा सीरियस इश्यू मैंने और नोट किया, सारे लोग बोलते हैं कि ऑल इंडिया रैंक है ना, वो ये आया वो आया फलाना आया दिखड़ा आया. यार वाई नॉट somebody is not asking, है ना, they are giving interviews की है ना, all their rank, इसका interview सुन लो, उसका interview सुन लो. अब इससे भी बहुत damage हो रही है. There is a very competitive guy with me, excellent communication skills, damn confident, बड़ी very studious, very knowledgeable, इसमें पकड़ भी बहुत अच्छी है. Now when it happens, he says कि सर बहुत बड़ी गलती होगी है ना, I had gone against your advice. कहते सर, I have been hearing to those guys ना, all India rank 1, 2, 3, 4. आप क्वेश्चन एक तो उनसे ये पूछते हो है ना, जो लोगों को जो सुनना चाहते हैं. He says, I have been copying their answers, and मैं वही जवाब वहां पे देता था. Why people are not getting है ना on board and interview कि भैया ये बंदे फेल भी हुए हमारे 10, ठीक है, इनमें सुनो जरा इसकी गलती क्या है. पहली बात तो उस कैंडिडेट में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कहता नहीं नहीं सर लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी. कोई इज्जत नहीं लुट रही यार किसी की. इफ यू टेल करेक्ट एडवाइस की यार आई कुड नॉट मेड इट, है ना, मैं दो बार गया हूं एंड दो बार नहीं हो पाया, बट आगे करके दिखाऊंगा. But these are the mistakes I've realized I have been doing it. कम से कम लोगों को वो भी सुनने दो. This nobody is doing in the market. ठीक है, nobody wants to talk about their failures. Everybody is saying gala gala about their success. हमने ये करा दिया, हमारे इतने कैंडिडेट, इसकी फोटो देखो उसका देखो, you know?
बट नॉट इवन अ सिंगल गाय आई हैव सीन इन द कंट्री हु टॉक्स अबाउट हिज फेलियर्स. वो ऐसे कौन से फन्ने कहा हो यार, व्हाई? बिकॉज वो एक बार आता है आपके पास में, आपने फीस ले ली, वंस ही इज फेल दैट ही इज नॉट कमिंग बैक टू दैट एकेडमी, नीदर नोबडी इज गिविंग एडमिशन. बट ए फूल लाइक मी, मैं उनको पहले चीजें बताता हूँ. मैं देखो ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है, आइडिया यही होना चाहिए आप पहली बारे में क्लियर करो इशू को. फॉर खुदा खास्ता आपसे कोई गलती होती है, यू मेक सम मिस्टेक फॉर व्हाटएवर रीजन, इफ यू डोंट क्लियर इट, मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए कि आप हथियार नहीं डालोगे. नंबर एक, इफ यू थिंक यार अब तो नहीं हो पाया, मैं नई अकेडमी में जाता हूं, देन डोंट कम टू मी. इधर हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड मी. जब तक मुद्दा हासिल नहीं होता आप लगे रहोगे, एंड इसके साथ में आप आईएएस की भी तैयारी करोगे, सीएपीएफ की भी करोगे, एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, सिविल में जॉब भी करोगे, मैं रिज्यूमे भी चेक करूंगा तुम्हारे को, गाइड भी करूंगा, करो ठीक है, अर्न मनी, स्टैंड ऑन योर फीट. बट यहां पे क्या कंसेप्ट है, एक बार आया जिसका हो गया वो डेफिनेटली अच्छे से मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है, और जो नहीं होता ही नेवर कम बैक, नीदर एनीबडी इज रेडी टू टेक लायबिलिटी फॉर ए फेलियर. ये कुछ एक चीजें हैं जो है ना कैंडिडेट्स को पता होनी चाहिए यार. वीडियो देख के फोटो देख के सारे जाते हैं. अब मेरे को आज भी किसी ने एडवाइस दिया, सर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, आई डोंट रिक्वायर यार, क्यों करूं मैं, इट इज माई अगेंस्ट एथिक्स ना, मैं नहीं कर रहा, जरूरत होगी मैं देख लूंगा. आई स्टार्टेड विद फिगर ऑफ मैजिकल फिगर ऑफ वन, यू नो टूडे आई हैव कम ए लॉन्ग वे. बट मुझे लगता है इतने बड़े हिंदुस्तान में जब 4 जगह 10 जगह 11 जगह धक्के खाने के बाद में अगर किसी को समझ में आती है और वो बंदा सही गलत जैसे भी अपना हिसाब किताब लगा कि डू सम एनालिसिस एंड ही रीचेस आउट टू मी ना, तो मुझे लगता है कि यार मेरा काम आसान हो गया. एटलीस्ट दिस गाय सी इज सिंसियर, ही सीम्स टू बी सीरियस अबाउट बिजनेस, काम करने में मजा आएगा. सो पहले ये कुछ एक चीजें हैं यार, है ना, प्लीज लुक फॉर द पीपल हु एक्सेप्ट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर्स ऑल्सो, ठीक है, इफ यू आर नॉट डूइंग इट. और सर अब आप नंबर्स देख के जाते हो, फिगर्स देख के जाते हो, बोर्ड देख के जाते हो, प्लीज वेक अप यार गाइस, फॉर गॉड सेक, आई एम नॉट टेलिंग यू ना कि आई एम द राइट गाय, प्लीज कम टू मी. इवन इफ समबडी कम्स, इफ आई डोंट लाइक एंड फाइंड द काइंड कैंडिडेट फिटिंग, आई डोंट टेक देम एट ऑल, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है. कुछ लोग ऐसे हैं जो आए सर हमें करना चाहता हूं, यार एकदम गरीब परिवार से आता है, बिहार से, ठीक है, एंड सर एडमिशन हमें वो करना, हम सोचते हैं ट्रेनिंग करेंगे सर, आई वॉन्ट टू डू, वेरी गुड. बट मैं उसको क्लियरली बताता हूं, मैं बेटा अभी आप उस स्टेज पे तैयार नहीं हो, अभी आपके इसमें यू आर इन टेंथ, यू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, मैं तरीका बताऊंगा तुझे, तो मेहनत करता रहे 2 साल में, बाय द टाइम यू अपियर फॉर एनडी एग्जाम, विच आई एम वेरी कॉन्फिडेंट वो बच्चा निकाल लेगा, बिकॉज ही इज वेरी इंटेलिजेंट, मेहनती हुई है. मैंने कहा लेकिन क्या है, तो जब तू ट्रेनिंग के लिए जाएगा, नो अकेडमी विल टेल यू, वो बोलेगा हाँ भाई आ जाओ हम तैयारी करा देंगे. बट मेरे को साफ साफ दिख रहा है, इफ आई गिव यू एडमिशन नाउ, माँ बाप का मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद होगा पक्का, ठीक है, दूसरा आपका समय खराब होगा, और तीसरा मेरी पूरी मेहनत बर्बाद जाएगी. जब तीनों चीजें दिख रही है मुझे बर्बाद होते हुए, व्हाई शुड आई गिव यू एडमिशन, यू टेल मी. यार मेरा एम है कि तेरे मुंह पे है ना वो स्माइल आनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव. आपको लगता है मुझे यूनिफॉर्म में घुसना है तो आप घुसने चाहिए, आपके माँ बाप को लगता है हमारा बच्चा कुछ करेगा, हासिल कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक छोटी सी फीस के लिए मैं आपको एडमिशन दे के ना खुश कर दूं, आपको लगे कि भाई अब तो मैं बस बनने वाला हूँ. रॉन्ग थिंग, मैं पहले बेसिक काम करके दिखा, यू विल ऑलवेज फाइंड मी अराउंड द कॉर्नर. 3 महीने 4 महीने 6 महीने जब तैयारी हो जाती है तब मुझे कॉल करना, मैं तेरे को खुशी के साथ मैं ट्रेनिंग दूंगा, यू नो, फिर 4 महीने ट्रेनिंग करना, मैं तेरे को पक्का ट्रेनिंग दूंगा. सो एसएसबी इज नॉट अ बिग डील, हवा बना रखा है, पीपल आर प्लेइंग ऑन योर फेयर्स, ठीक है, अगर फिर भी किसी को भरोसा नहीं है, आई विल बी गेटिंग एन अ फ्यू ऑफ माई कैंडिडेट्स ऑन माई, टाइम ही नहीं मिल रहा पिछले 10-12 दिन से टू मेक वीडियोस, आई विल गेट वन ऑफ देम, आई विल गेट नंबर ऑफ फेलियर केसेस ऑल्सो, दे विल टेल की वाई दे फेल्ड, वट आई एडवाइज देम, फ्रॉम वेयर दे आर टेकिंग ट्रेनिंग. The only thing is I told them no academy names, no ustad's name. Just tell them in generic ki kya journey rahi, experiences rahe, and what is their understanding of today in life and about the SSB. They'll tell ki bhaiya main pehle kuch nahi kar raha tha, abhi main mehnat kar raha hu, main naukri bhi pakdi hai, main paise bhi kama raha hu, main ek acha routine bhi follow karta hu, main confident bhi hu, aur main kaise kya wo batayega, theek hai. And I'm sure aise yaar, see even if you look at the math stats also na, number of success cases are very low, फेलियर्स तो बड़ी थोके भाव में. तो यार एक बंदे को ट्रेनिंग लेके गया था बंदा, ऑल्दो अचीव नहीं कर पाया बट ही फील्स गुड अबाउट इट, यू नो हमने अच्छे सिखाया, बट उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है. सो नंबर वन इज दिस. नाउ अबाउट द एसएसबी, एसएसबी की तैयारी करनी है उसके लिए मैं सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूं ना, वो मैं ये मानता हूं कि आप एक अच्छा रूटीन फॉलो करो यार. 24 घंटे हैं आपके पास में, अगर आप 24 घंटे में है ना, देखो 24 घंटे में आपका क्या क्या है अबाउट योर ओन बॉडी, टाइम पे बंदा उठता है नहीं उठता है, ठीक है, टाइम से काम करता नहीं करता, सेल्फ डिसिप्लिन, बड़ी फक द ब्री है ना ओएल क्यूज यार, हु इज बॉदर अबाउट ओएल क्यूज, एक फैंसी टर्म है ओएल क्यूज, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. अपने माँ के पेट से कौन आदमी ऑफिसर पैदा होता है यार,
अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। कोई आदमी एक छोटी सी चीज कहीं से लेके मोटिवेशन लेके आता है, वो भी कुछ अच्छा करके दिखाता है लाइफ में, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आदमी अगर समय पे उठता है, समय पे सारे काम करता है जो प्लान करता है उसके मुताबिक, दैट शोज हाई सेंस ऑफ डिसिप्लिन, नंबर वन, एक अच्छी क्वालिटी है। अभी OLQ में है नहीं है, भाड़ में गई, बट एक अच्छी क्वालिटी जरूर है। नंबर दो, घर के बुनियादी काम करता है, माँ बाप का काम में हाथ बटाता है, बिल जमा करके आता है, सब्जी लेके आता है, घर में साफ सफाई में मदद करता है, दैट्स अगेन है ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी हाई कि बंदा भी अपने काम करता है सारे घर के, तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो हिज इक्वेशन, हिज केमिस्ट्री है ना, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड हिज फैमिली मेंबर्स, वो दिखाई देती है, वो भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। अपने जो काम करता है वो पूरे कर देता है, आधे अधूरे लटका के छोड़ देता है रोज, ईमानदारी चेक हो जाएगी आपकी। पैसा जो कमाता है या पेरेंट्स से लेता है उसका हिसाब किताब क्या है, ठीक से खर्च करता है, फिजूल खर्ची करता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अगेन क्वालिटी। सुबह टाइम पे नहा लेता है, बाल बड़े हैं तो भैया अच्छे से कंघी करता है, या भैया ये अच्छे से कपड़े पहनता है, उसका कंडक्ट बिहेवियर घर के अंदर, पड़ोस के अंदर, दोस्तों के साथ में, बड़े बुजुर्गों के साथ में, इट स्पीक्स लॉट अबाउट ए पर्सन अबाउट हिज कंडक्ट, गुड अगेन ऑल्सो लाइक क्वालिटी। जस्ट बिकॉज उस 15 में सर उन वर्ड्स में नहीं लिखा है ना, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। अगर समय पर उठता नहीं, काम नहीं करता, जितनी तमाम मैं बातें बता रहा हूं, तो यार क्या फायदा। 100% लोग ऐसे हैं जिनके पास में एक अच्छा रूटीन नहीं है। रूटीन का मतलब ये नहीं है बाय द क्लॉक जाओगे, बट कम से कम रात को यार नोट करके सो डायरी के अंदर, टुडे ओनली समबडी आस्क्ड कि सर वो मतलब एक क्लॉक के, मैं क्लॉक के हिसाब से नहीं जाना, बट कम से कम रात को अगर नोट करते हो कि यार कल सुबह मैंने 10 काम करने हैं, एक तो ये पेंडिंग चीजें खत्म कर दूंगा, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी कर दूंगा, 2 घंटे मैंने इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, उस चीज का मैंने रिविजन करना है, उस फ्रेंड को फोन करके अटेंड करना है ना, और उसमें से अगर आप 4 चीजें भी आप करते हो तो ठीक है, यू कैन ऑलवेज से कि सर आई डोंट हैव ए फिक्स्ड रूटीन, बट आई डू प्लान थिंग्स इन एडवांस ए डे बैक, एंड मैं उसके हिसाब से पूरी कोशिश करता हूँ। एंड हफ्ते में एक दिन सर चीटिंग डे होता है, उस दिन मैं सर रिलैक्स करता हूँ, सर कोई चीज प्लान नहीं करता, दैट इज ऑल्सो ओके। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस इज योर गुड रूटीन, हेल्दी रूटीन, जिसमें आप अपने शरीर पर भी काम करो, अपनी जिम्मेदारियां भी उठाओ, पढ़ाई भी करो, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करो, थोड़ा नॉलेज भी बढ़ाओ। सो ए गुड हेल्दी रूटीन इज अ मस्ट, दैट इज रूल नंबर वन इफ यू रियली वॉन्ट टू क्रैक SSB, ठीक है। SSB में पूछा जाएगा आपसे सवाल, जो आदमी अपने 24 घंटे का हिसाब किताब ठीक से नहीं दे सकता है, बाकी क्वालिटीज क्या चेक करोगे आप उसमें यार, नंबर वन। नंबर टू, कम्युनिकेशन। मैं ये नहीं कहता, आप लोग मैं देखता हूं बड़े इंटरव्यूज देते हैं, कम्युनिकेशन पे काम करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, ये करिए वो करिए, अरे यार मत पेलो ज्ञान। इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें भरपूर मात्रा में कूट कूट के भरा हुआ ज्ञान, किसी में भी हो, किसी को रोड पे पकड़ लोगे ना वो भी ज्ञान पेल देगा, ठीक है, ज्ञानी लोगों की कोई कमी नहीं है, बट बड़ी नोबडी इज टेलिंग, सब 2-3 चीज बताएंगे, अखबार पढ़ लो, अच्छा मिरर प्रैक्टिस कर लो, अच्छा जी पढ़ ली मिरर प्रैक्टिस, बट यार ये तो सलाह है, सलाह तो चलो बहुत आसान है देना, बट इन्वॉल्व हो जाना उसके साथ में थोड़ा बहुत। टुडे आई गॉट ए कॉल फ्रॉम वन ऑफ द गर्ल, शी कम्स फ्रॉम अपना स्मॉल विलेज इन हिमाचल, एंड हर मदर इज इन एजुकेशन बोर्ड इन हिमाचल, एंड शी इज प्रेजेंटली सिटिंग इन धर्मशाला, ठीक है। फर्स्ट टाइम उस बच्ची का कॉल आया, चीज की मैंने सर बेनिफिट्स टू वॉर्ड्स ऑफ अ बैटल कैसुलिटी दिखा था, तो उसमें मुझे आपका रेफरेंस मिला, एंड आई वॉच्ड योर वीडियो एंड आई थॉट है ना आई नीड टू कनेक्ट टू यू, तो सर मैंने आपको कॉल किया रात को 1:30 बजे, उसने मैसेज किया मुझे, देन मॉर्निंग आई स्पोक टू हर। उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, इसी तरीके से मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, एंड बहुत लोगों ने बेइज्जती भी करी, बड़ा है ना हार्ड मोमेंट्स भी रहे, बट टुडे व्हेन आई स्पोक टू दिस गर्ल यार शी वाज अमेजिंग, हर कम्युनिकेशन स्किल्स आई फाउंड मतलब इट वाज पार एक्सीलेंस, बट उसमें बहुत सारा ठहराव था, आवाज में कुछ था मतलब अच्छा था ना, मतलब आई फेल्ट कि आई कैन कीप गोइंग ऑन लिसनिंग टू दैट गर्ल, इट वाज सो मैजिकल वॉइस टू द इयर्स यू नो, बट वो कहीं नहीं से लेकर के मतलब फ्रॉम ग्राउंड जीरो से लेकर के, एंड द वे शी वाज कम्युनिकेटिंग इट वाज एक्सीलेंट अमेजिंग। She said, कि सर मैं ब्रदर इज अ जवान इन आर्मी, बट आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, आई नेवर थॉट बिफोर दिस, बट आई हर्ड यू देयर एंड मुझे सर ये करना है, आई सेड यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टुमारो आई विल कनेक्ट हर विद हर फॉर द फर्स्ट टाइम। भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, मैंने बहुत लायक बच्चे देखे हैं बिहार से, आज 3-4 कॉल आए थे, करना चाहते हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, बट भाषा पे पकड़ कमजोर है, ये एक ऐसी चीज है जो आपका नुकसान है ना पक्का कराएगी। आप ईमानदार हो, नीयत बहुत अच्छी है, सब मान लिया, लेकिन जो चीज आपने सीखी है आपके मन में, अगर आप वो कन्वे नहीं कर सकते सामने, देन हाउ यू आर गोइंग टू यू नो प्रेजेंट योरसेल्फ। सो इसको अपनी कमजोरी ना बनने दे कम्युनिकेशन स्किल को। जब आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ यार अपना बोलने की पढ़ने की थोड़ी अपनी झिझक खोलो, ये डेली प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, ऐसे ऐसे करके करोगे तो अगले 1 साल में 10th में आप अभी शुरू करो, क्या दिक्कत है, आई डोंट फोर्सी एनी प्रॉब्लम आने वाले टाइम में। सो वन इज हेल्दी रूटीन एंड सेकेंड इज गुड कम्युनिकेशन स्किल।
भाई आज पहले थोड़ी शर्म निकालोगे, फिर थोड़ी इंग्लिश बोलनी शुरू करोगे, फिर थोड़ी ग्रामर पे भी काम करोगे, फिर 15-20 लोगों के बीच में बोलने का हौसला भी आएगा। इसमें एक यूट्यूब में एक लेक्चर सुन करके ना किसी पहलवान का, कि वो उसने बोला ये कर लो, ओके बी कॉन्फिडेंट, फिर एक अपना एग्जाम्पल भी दे देगा, बोला मैं बड़ा गरीब था, ये था वो था। नो, आज एक लड़के का एग्जाम्पल देता हूं अक्षय, ही कॉल्ड अप फ्रॉम ए विलेज। सर मेरे फादर किसान है एंड मेरा एसएस भी आ रहा है मई में जून में, सर क्या करना पड़ेगा, मैं मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तेरी कम्युनिकेशन तो बड़ा सॉलिड इशू है, मैं अगर तुझे सिखा भी दूं पूरा, मैं तो सिखा दूंगा लेकिन तू आगे बताएगा कैसे मुझे ये बता। कहते सर वो गांव में ना सर थोड़ा यहाँ इन्वायरमेंट नहीं है। अच्छा अच्छी कोशिश है, और कुछ और कोई बहाना, गिव मी सम गुड कन्विंसिंग रीजन। कहते सर वो इन्वायरमेंट नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, मोबाइल हाथ में है ना, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं, बात करते हैं, देर आर सर्टेन एप्स ऑल्सो, कुछ तो तरीका निकाल सकता है। मैं तो पेड़ से ही बात कर लेता था कि मुझे पता था वापस पलट के कुछ नहीं बोला, जो भी इंग्लिश बोल दो सुननी पड़ेगी इस पेड़ को। कहता नहीं सर यहाँ पे प्रॉब्लम है सर थोड़ा। देन आई आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन, मैं तेरे को भूख लगी है क्या करेगा, मम्मी नहीं बना रही खाना, बोला सर मैं खुद बना के खा लूंगा, मैं घर में आटा नहीं है, कहता चावल बना लूंगा, मैं कुछ खाने के लिए नहीं घर में, कहता सर वो पास में आंटी रहती है उनके घर से ले आऊंगा। मैंने कहा वो भी नहीं, मना कर दिया उन्होंने, बोला भाई किस किस का पेट पालेंगे भाई, हमारे पास नहीं है इतना तुम्हारे को खिलाने के लिए, गेट लॉस्ट। कहता सर ये गांव में फ्रूट फ्रूट लगे होते हैं वो खा लूंगा। मैं नहीं, मैं तेरे पेरेंट्स की भी तबीयत खराब होगी भूख के मारे, एंड दे आर फीलिंग वेरी हंग्री कि बेटा बहुत तबीयत खराब हो रही है, कुछ खाने के लिए चाहिए, अब क्या करोगे। कहता सर किसी से मैं मांग के ले आऊंगा। मैं अच्छा फिर तू चोरी भी करके लेके आएगा। मैं चोरी भी नहीं कर पा रहा, तू माहौल ही नहीं बन रहा, सारे गरीब रहते हैं तुम्हारे इलाके में, और मांगने के लिए गया था कोई भी एक आदमी दानी नहीं मिला, सबने बोला नहीं देते, भाग जाए से, गेट लॉस्ट, क्या करेगा। कहते सर मेहनत करके कमा लूंगा, सर कुछ तो कमाऊंगा, एक दो रोटी के लाए, अपने पेरेंट्स को तो खिलानी पड़ेगी। मैं गुड, नाउ दैट इज द आंसर। तो मैं अगर करने है ना कोई चीज तो उसके लिए डोंट गिव मी बड़ी फद्दू एक्सक्यूजेस, सर फार्मर का बेटा हूं, गांव में हूं, या माहौल नहीं है, दीज आर ऑल बड़ी बकवास बातें यार, ठीक है। अरे लुक एट ना लेट सर अब्दुल कलाम आजाद, आई हैड रेड हिज बुक है ना, उनके घर में भी छह सात भाई थे, इसे कई बार तो रोटी के छह सात टुकड़े करने पड़ते थे, एंड बीइंग एल्डर टू है ना फ्यू ऑफ देम है ना, तो वो कहते मेरे को भूख नहीं है, वो अपना शेयर भी दूसरे को देते थे, है ना, एंड राष्ट्रपति भी बने एंड एफर्टलेसली बने, एंड व्हाट अ मैन यार ही वाज। तो एग्जाम्पल तो बते रहे हैं आपके आसपास, तो गरीबी का रोना बंद करो, ठीक है, माहौल नहीं है, माहौल आदमी खुद बनाता है यार। मैं कहता हूं तो मेरे को जंगल में भेज करके देखो, मैं ऐसी रौनक लगाऊंगा वहां पे, तुम्हारे को पोल डांस से क्या देखना है, मैं सब कुछ दिखा दूंगा। क्या चाहिए, डंडा ही तो चाहिए, उतार के शर्ट फेंक दो, गाओ खुद और बड़ी कर लो मजे यार, इफ यू रियली वांट टू एंजॉय। सो डोंट क्रिब, डोंट प्ले विक्टिम कार्ड, डोंट से कि ये प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है पैदा करो, नहीं है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ, ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं है, एटलीस्ट टॉक टू गॉड यार, ऊपर आसमान में मुंह करके बोलो इंग्लिश जोर से, बट कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। सो दिस इज वन एग्जाम्पल आई थॉट आई विल गिव यू बिकॉज इट हैपेंड टुडे ओनली है ना, इन द आफ्टरनून। सो एसएसबी के लिए बुनियादी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छा रूटीन, दूसरा इज गुड कम्युनिकेशन स्किल, प्लीज उस पर काम करो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अक्षय जो है वो ये है कि प्लीज डोंट कॉपी अदर्स, कट कॉपी पेस्ट। लाइफ इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, फॉर गॉड सेक पीपल शुड है ना नॉट कॉपी अदर्स आंसर्स एंड पुट टेम्पलेट ऑन देम। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज, मैं देखता हूं सर मैंने नंबर 1-2 वाले का वो फलानी एकेडमी ने अपलोड किया था, मैंने उसका इंटरव्यू सुना एंड सर उसके मैंने आंसर नोट कर लिया, मैं बड़ा महान काम किया मैं भाई, उसके फादर का जो नाम है मैंने भाई, दोनों इंडिविजुअल अलग अलग है। मैं पहले दिन बताता हूं सभी को कि आई डोंट वर्क लाइक अकेडमीज डू, मेरे पास में 50 बच्चे हैं यार, 50 के 50 बच्चे अलग तजर्बा शेयर करते हैं, बैकग्राउंड अलग है, घर की हालत अलग है, किसी की दिक्कतें अलग है, किसी के बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस है, किसी के खराब एक्सपीरियंसेस है, यू नो किसी का नेचर अलग है, कोई कम बोलता है कोई ज्यादा बोलता है, अपने अपने फेस और अचीवमेंट है, योर फोन प्लीज, ठीक है ना। हर एक आदमी को अलग नजर से देखना चाहिए, बट इसमें जोर लगता है। सो व्हाट पीपल डू, वो एक टेम्पलेट बताते हैं आपको एंड लोग वैसे ही सोचते हैं, दे कॉपी है ना एंड आंसर द सेम थिंग, ठीक है ना, ये बहुत गलत चीज है। डोंट कट कॉपी पेस्ट, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी ओरिजिनलिटी पे काम करो, जैसे आप हो प्लीज वैसा दिखाइए कि सर मैं ऐसा हूं, ये मुझ में कुछ कमियां हैं, ये मुझ में कुछ अच्छी बातें हैं, कमियों को मैं ऐसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ और सर अच्छाई को मैं ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छी पॉजिटिव चीजों को। मोस्ट ऑफ द पीपल ना मैंने देखा, मैं उनसे पूछता हूँ बुनियादी चीजें पूछता हूँ, मैंने कहा एसएसबी की तैयारी, पहले एसएसबी गए हो, ये सर गए हैं, मैं ट्रेनिंग लिए, बोला हाँ, मैं कहाँ पे लिए, कौन सी एकेडमी में, तो कोई बताता है सर बैंगलोर, कोई बोलता है चंडीगढ़, कोई बोलता है दिल्ली, कोई बोलता है लखनऊ, मैं ओके, मैं ये नहीं पूछता मैं किसने सिखाया, मैं पूछता हूँ आपको वहां पे क्या सिखाया गया, कितने दिन सिखाया,
व्हाट वर द मोटिव्स ऑफ रेंट? इट वाज टू वे कम्युनिकेशन या वन वे कम्युनिकेशन? कुछ बुनियादी चीजें पूछता हूँ, उसके बाद में 2 दिन की क्लास के बाद में पूछता हूँ उनसे कि मैं व्हाट इज द डिफरेंस, तो वो मुझे बताते हैं कि सर ये चीज मुझे बहुत अलग लगी, मुझे ऐसा लगा वैसा लगा। मैं ओके, मैं उनको बताता हूं कि 50 जगह मत देखो, ये तीसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने करना है तो व्हाट्सएप ज्ञान है ना आपका बहुत नुकसान करने वाला है, और ये यूट्यूब 50 चैनल देख लेते हैं और फिर उसके बाद में एक अपना कंपोडियम अलग से बनाते हैं कि SSB ऐसे हैंडल किया जाएगा। एक रूट पकड़ो, एक उस्ताद पकड़ो, ठीक है, और एक तरह की सीख पे काम करो। 50 तरह के रेफरेंस है, 50 तरह की यूट्यूब वीडियो देखते हो, आपकी ओरिजिनलिटी ना 2 पैसे की भी नहीं रह जाती। क्यों? हर बार ही ना किसी और के हिसाब से सोचते हो, वैसे जवाब देते हो, ओरिजिनल जवाब नहीं देते। सो डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स देयर आंसर्स, ठीक है, देयर टेम्पलेट्स। अपना रास्ता खुद निकालो, अपने विचार ओरिजिनल रखो, अपना लिखने का काम ओरिजिनल रखो, ठीक है, दैट इज थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग, SSB की तैयारी करने के लिए मैं ये नहीं कहता कि इससे बहुत है, बट फर्क दिखाई देगा। डायरी राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई कीप टेलिंग कैंडिडेट्स, मैं हर एक से करवाता हूं। 24 घंटे में आपने काम किया, आप उसको डायरी में लिखिए, ठीक है, पूरे दिन भर का कुछ अपनी फीलिंग्स, किस चीज को लेकर अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, कुछ आपने एम रखा था, कुछ अचीव किया, कुछ काम नहीं कर पाए, कुछ क्रिटिसिज्म, एवरीथिंग। SSB में सबसे बड़ा इशू यही आता है, मैं उनको हमेशा बताता हूँ, 2 डॉट है, एक होता है आपका छोटा डॉट है ना, विच इज अबाउट यू, अपने बारे में जानकारी बिल्कुल कम होती है। ये भी पूछोगे ना यार किस तरह के दोस्त आपको पसंद है, जनता ये जवाब नहीं दे पाती, घुमा फिरा के पूछते हैं अपने में कमी बताओ 3, तो जनता वो नहीं बताती, बड़े सुपरफिशियल आंसर्स देते हैं। व्हेन यू गेट इनटू डायरी राइटिंग ना, यू आर ओपनिंग अप, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ रहा है ना, 24 घंटे का हिसाब किताब आप है ना एक छोटे से पेज में लिख देते हो, तो यार एक पिक्चर में 12 लाइन लिखने में कितना प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम चाहिए? वाई? बिकॉज एवरी डे यू आर यूज्ड टू थिंक एंड राइट, हर दिन एक नई स्टोरी होती है, बट आप उसको 24 घंटे का जो ब्यौरा है एक पेज में उतार देते हो। इट फॉर्म्स अ वेरी गुड हैबिट, योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन बोथ वर्बल एज वेल एज रिटन, इट इंप्रूव्स, इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस। आज एक ने बोला सर जैसे मैंने तो कुछ खास किया ही नहीं था, सर मैं कुछ करता ही नहीं हूं, तो मैं क्या लिखूं डायरी में? मैं तो एक काम कर रहा हूं, तू लिखना कि आई डोंट डू एनीथिंग द एंटायर डे, आई वेस्ट माई टाइम, आई वेस्ट माई टाइम, आई वेस्ट माई टाइम, तू सिर्फ इतना लिख। कैसे उससे क्या होगा? मैं तो लिख ले पहले, फिर बताऊंगा बाद में क्या होता है। मैं बुजुर्गों को देखो, कई लोग होते हैं जो किताब पेन रखते हैं, उसमें लिखते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, क्या होता है मुझे नहीं पता, बट वो लिखता है, मे भी शायद उसको अच्छा लगता है, उसका मन टिकता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कुछ तो होता होगा। मैं तो लिख करके देख पूरे पेज में, आई वेस्ट माई टाइम, आई वेस्ट माई टाइम, आई वेस्ट माई टाइम, 1 दिन लिखेगा, 2 दिन लिखेगा, 3रे दिन पक्का कॉन्शियस होगा, मतलब कितना मूर्ख आदमी है यार, पूरे दिन भर ना पेज पे ये लिखता हूं मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, तेरे को खुद पे शर्म तो आएगी थोड़ी सी। एटलीस्ट थर्ड डे यू विल गेट अ वेकअप कॉल, यार इससे अच्छा तो है ना फिर तू 4थे दिन तू ये लिखेगा आई डिड है ना 1 गुड थिंग टुडे, फिर तू बोलेगा आई डिड है ना लिटिल मोर टुडे, फिर तू लिखेगा आई डिड लॉट्स ऑफ थिंग टुडे एंड आई डिड विद गुड जोश, मैं यू विल सी द चेंज। यार अगर खुद अपने आप को बोलो, मैं यार अपने बारे में कोई बुरा नहीं सुनना चाहता, सो आई टोल्ड हिम राइट, सो एवरी कैंडिडेट आई इंश्योर बॉय गर्ल के दे डू गेट इन टू डायरी राइटिंग एंड इट हेल्प्स यू लॉट। बाकी नॉलेज बढ़ा सकते हो आप है ना, करंट अफेयर्स नॉलेज पढ़ लूंगा, न्यूज देख लूंगा, न्यूज पेपर पढ़ लूंगा, बट टू वर्क अपॉन योर सेल्फ इज मोस्ट डिमांडिंग, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इधर आती है, तो अपने बारे में ना जानने का दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। चौथी एडवाइस अबाउट द SSB, डोंट गेट कॉन्शियस, शुरू करने से पहले हर एक को जवाब चाहिए सर मेरा हो जाएगा, मैं आप बताओ, मैं तो बोर्ड में नहीं बैठा हूं, मैं तो ये कह सकता हूं कि आपकी तैयारी बहुत मजबूत कराऊंगा, यू विल फील कॉन्फिडेंट, ठीक है, आप डरोगे नहीं किसी चीज से, आप खुल करके बोलोगे, कोई टॉपिक आएगा, कोई सवाल आएगा, क्वेश्चन में आएगा इंटरव्यू में, आप खुल करके जवाब दोगे, यू विल नॉट गो ब्लैक आउट, यू नो, मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछो, मैं सेकेंडों में उसको आपको आसान करके देखूंगा, आस्क मी एनीथिंग, ठीक है। बट पीपल आर वेरी वेरी कॉन्शियस एंड दे आर वेरी डेस्परेट, ये 2 चीजें इससे दूर रहे, डेस्परेट नहीं होना, पैशनेट होना है, डोंट शो डेस्परेशन, शो पैशन, ठीक है, और कॉन्शियस नहीं होना, कॉन्शियस होकर काम करोगे कभी अच्छा नतीजा नहीं आएगा, डोंट थिंक अबाउट SSB एंड द रिजल्ट यार, जस्ट फोकस ऑन इंप्रूविंग योरसेल्फ एंड फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस, ये कुछ एक बुनियादी बातें हैं, जस्ट टू सबमिट अ गुड रूटीन, हेल्दी रूटीन एंड सिंसियरली स्टिक टू इट, डू इट रिलीजियसली। सेकेंड इज वर्क अप ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, मेक इट अ रूटीन। थर्ड इज डायरी राइटिंग। फोर्थ इज डोंट कट कॉपी पेस्ट, राइट योर ओरिजिनल आंसर एंड मेंटेन योर ओरिजिनलिटी। सबसे ज्यादा केसेस यहां कैजुअलिटी बर्बाद होती है ना, दूसरों को देख देख के, ठीक है, और आज कुछ लोगों की लिस्ट आई, आज उसमें से 3-4 लॉन्च भी हो गए हैं, है ना, जो कह रहे हैं कि भैया मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू कैसे हैंडल करना है, यार उसको शायद ये भी नहीं पता होगा कि वो SSB में साइक, GTO और अपना वो रिकॉल इंटरव्यू कि तीनों में क्लियर था या 2 में था या सिर्फ 1 ही में क्लियर था, ठीक है, तो कुछ अच्छी चीजें बताएगा बट कुछ नुकसान भी करेगा।
एंड लास्ट थिंग इज व्हाट आई टोल्ड यू कि कॉन्शियस नहीं हो रहा, फोकस परफॉर्मेंस पे करो ना करके, है ना, कि एसएसबी में क्या हो जाएगा मेरे साथ। ओके सो सर ने काफी इलैबोरेटली एसएसबी को लेकर डिस्कस किया हुआ है। सो सर ने एक बात सही बोली कि अलग अलग राह बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक, चला चल पा जाएगा मधुशाला। सो डोंट फॉल फॉर मल्टीपल सोर्सेस, पिक वन, सेलेक्ट वन, चूज इट कॉन्शियसली एंड देन स्टिक टू इट। अनदर थिंग दैट सर फोकस अपॉन इज सर, इवन लाइक द डायरी थिंग, वन थिंग वी ऑल्सो एड इज कि आप अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट बैक करो, पिछले 18-20 साल जो आपने जिए हैं उसमें कोई भी एक वैल्यू है, जैसे सपोज ऑनेस्टी इज अ वैल्यू, हार्डवर्क, रिफ्लेक्ट बैक अपॉन योर लाइफ की ये मैंने अपनी लाइफ में कहीं एक्चुअली में ये क्वालिटी शो की या नहीं की। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, जो भी आप बड़े बड़े हाईफाई वर्ड जो कोचिंग बताते हैं, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट अपॉन योर लाइफ की लाइफ जो मैंने जिया उसमें मैंने क्या की, क्या मैंने अपने कभी दोस्त को धोखा दिया, आपको काफी सारे रियलाइजेशन अपने बारे में होंगे, विच अगेन सिंस दोज वुड बी ओरिजिनल एंड जेन्युइन रिस्पॉन्सेज। आपको एसएसबी में वो जो एक फेक करना, फेक आंसर सिखाए जाते हैं विच आर नॉट ओरिजिनल, वो थोड़ा हो जाएगा। और सर ने एक चीज काफी अच्छी बोली कि घड़ी का गुलाम नहीं बनना है आपने, एक रूटीन तो फॉलो करना है, बट दैट डजंट मीन कि यू बिकम अ स्लेव टू द वॉच कि आई वुड डू एवरीथिंग बाय द क्लॉक, बट यू हैव टू हैव अ रूटीन एंड यू शुड बी एबल टू मॉनिटर इट, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। सो सर एक चीज आपने जो पिछले सेशन में बताई थी जो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हेल्प की, वो थी ऑटो सजेशन वाला, तो वो ऑटो सजेशन वाली चीज सर एसएसबी के लिए कैसे यूज की जा सकती है? अक्षय वो 200% यूज करी जाती है, ये आज तक लाइफ में मेरे को कभी फेल नहीं किया इसने, यू नो, एंड नन ऑफ माय कैंडिडेट ने हैज एवर फेल्ड मी। एक लड़के का फोन आया, सर वो आई वांट टू प्रिपेयर, बहुत मरमर के बोल रहा, मैं जोर से बोल क्या सर ये बोल, मैंने कहा सी लिसन यू आर अनफिट टू टेक ट्रेनिंग फ्रॉम मी, मैम यूज टू लिसनिंग लाउड वॉइस, यू नो, जोर से बात कर, कॉन्फिडेंस है, मैं ऐसे मरमर के शेर की तरह बोलू, जोर से बोलोगे तो कुछ गलती भी छुप जाएगी, मैं बोलूंगा गुड यार जोर से हो गया बड़ी, तो मरमर के बोलोगे सर बेचारा टाइप, सर वो आई वॉन्ट टू डू इन समथिंग इन लाइफ, मैं नहीं चलेगा मेरे साथ में, नो क्या सर कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे घबराहट होती है, मैं ओके मैं काम कर खड़ा हो जाता, मैंने कहा दीवार की तरफ देख जोर जोर से बोल, ठीक है, एंड बोल कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा किसी से, ठीक है, कौन सा मैं मर जाऊंगा करने से, अभी भी तो डर ही रहा हूं, डर डर के कितना जीऊंगा, ठीक है, बेइज्जती कराने के सिवाय कराया क्या है, लोग मजाक ही उड़ा रहे हैं ना, अपना मजाक कब तक उड़वाएगा, करना है मैंने, बोल, आई मेड हिम नॉन स्टॉप के मैं बोलता रहा जब तक मैं तो रुकने के लिए नहीं बोलता, आई थिंक मस्ट हैव स्पोकन अबाउट 1000 टाइम्स, मैं आवाज ऊंची, मैं और जोर से बोल, मैं दीवार पे खड़ा हो जाऊं और जोर से बोल, जोर से चला रहा है, मैं छत के ऊपर लेके आया, मैं चला यहाँ पे जोर जोर चला रहा, कहता मैं किसी से नहीं डरता, कोई डरने की जरूरत नहीं, मैं मरूंगा नहीं, आप लोग मेरे पे हंसोगे हंस लो, बट मैं बोल के दिखाऊंगा, जोर से बोलूंगा, 15 मिनट के बाद में मैं जब तेरा मन टेके बता देना, कहता सर मैं बोल सकता हूँ सर, मैं पक्की बात है घबरा तो नहीं जाएगा, बोला नहीं सर नहीं घबराऊंगा मैं बोलूंगा, बिलीव मी आफ्टर 15 मिनट इट वाज द सेम गाय, ही सेड कि सर अंग्रेजी गलत हो सकती है बट मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड स्पीक, देन ही सेड सर माय नेम इज आकाश, आई एम कमिंग फ्रॉम दिस एरिया एंड आई वाज वेरी शाय अबाउट 15 मिनट्स बैक, बट आई फील कॉन्फिडेंट सर, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बट सर आई एम ट्राइंग एंड मैं कर सकता हूँ सर, बहुत अच्छे से ओके। ऑटो सजेशन इज सच ए गुड थिंग यार, जिस चीज से डर लगता है ना मन में बार बार दोहराओ, बोलो, ठीक है, शीशे की तरफ देख करके बोलो, पेरेंट्स की फोटो की तरफ देख के बोलो, ठीक है, दूसरों के सामने बोलो, आप बार बार उस चीज को कि मैं नहीं डरूंगा मैं करूंगा, आप रूटीन फॉलो नहीं हो रहा तो यार तू बात करो अपने आप से कि भाई सपने तेरे बहुत बड़े, बनना तूने जिले लाई है, यू नो, बट 24 घंटे में तू है ना ईमानदार नहीं हो सकता, इफ यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ तुम क्या करोगे लाइफ में, भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अरे जो आदमी खुद अपने आदमी उसकी कौन मदद, ओरिजिनल मैनर एंड टॉक टू योर सेल्फ, यू मोटिवेट योर सेल्फ, बिलीव मी That driving power is amazing. मेरे तो कैंडिडेट्स से मैं फीडबैक लेता हूँ वो यही बताते हैं, बोला सर इट्स सच अमेजिंग थिंग ना, लाइफ में देयर आर सो मेनी टेंशन व्हेन पेरेंट्स आर नॉट अराउंड, यू नो योर मेंटोर इज नॉट अराउंड, यू आर ऑल बाय योरसेल्फ एंड यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल, कहता सर उसी समय जहां खड़े होता हूँ कि तू कर सकता है कर लेगा, कोई घबराने की बात नहीं है, अरे ठीक है बेइज्जती हो जाएगी, लाइफ में एक चांस लेके देख ले यार, तो वो एक बार तो कोशिश कर यार, करना यार तू, कहता सर मैंने करके देखा, पीपल हैड गिवन मी स्टैंडिंग ओवेशन, यार क्या तेरे में आत्मा आ गई थी, बहुत गजब बोला तूने, हौसला बहुत बढ़ गया कि मैं बोल सकता हूं, कहता है सर अब मैं बिल्कुल दबा के बोलता हूं, मेरे को देख के मेरे दोस्त बोलने लगे, कहता है यार तू कैसे तैयारी कर रहा, कहता कुछ नहीं यार बोलो खुल करके बोलो, कहता भी ग्रुप बन गया है सर, वी स्टार्टेड डूइंग, थोड़ा सा होता है एक दूसरे को पकड़ के करते हैं, सो ऑटो सजेशन इज ए वेरी गुड थिंग यार, एसएसबी में डज हेल्प यू, बहुत सारी स्टेजेस हैं जहां पे डर लगता है कैंडिडेट को,
कोई आदमी पब्लिक स्पीकिंग में डरता है, कोई लेक्चरेट में घबरा जाता है, कोई ग्रुप के सामने काम करने में डरता है, कोई जीटीओ में घबरा रहा है, कोई इंटरव्यू में। आप इंटरव्यू में भी जाने से पहले कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, पानी अपने पास में रखो, छोटी छोटी सिप लो पानी की, आपका मेटाबॉलिज्म अंदर ना रिदम बायरिदम सेट होता है। आप पानी पीते हो ना, पानी बॉडी पे पानी की सोया और है क्या, है ना, यू फील काम डाउन। एंड साथ में थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करो, कोई योगा शोगा पोस्चर की जरूरत नहीं, जहां बैठे हो बट एटलीस्ट लंबी लंबी सांस लो, ठीक है, रिलैक्स योरसेल्फ एंड ऑटो सजेशन करो थोड़ा सा कि यार एक इंटरव्यू है एंड द एंटायर एम ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो भी वहां पे बैठे हैं ऑफिसर, वो सिर्फ आपके बारे में कुछ डिटेल जानना चाहते हैं, आपसे कुछ एक सवाल पूछे जाएंगे, आपने उसका पूरी ईमानदारी से जवाब देना है, जो गलती है वो मान भी लेनी है और जो चीज आती है उसको बड़ी मजबूती से बताना भी है, बीच में हो सकता है डांट भी पड़ जाए बट घबराना नहीं है, मैं भी शायद ये चेक कर रहे हैं कि मैं कितना मजबूत हूँ, ठीक है, आराम से देखकर क्या, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होने वाला, आधे घंटे 40 मिनट बात करनी है, ठीक है, अगर आप अच्छे से बात करोगे एंड यू क्लिक वेल, वो बोलेगा वाह यार बढ़िया बंदा था, आपका फायदा ही होना, नुकसान नहीं होने वाला। आप इतना भी सोच के जाओ ऑटो सजेशन करके ना, यू विल डेफिनेटली डू वेल, बट क्या दिमाग ब्लैंक है, घबरा रहे यार क्या पूछेगा, ये पूछेगा, दूसरा जो कैंडिडेट आता है यार क्या पूछा था आपसे, यार आपने क्या जवाब दिया, इस तरह चीजें करके ना वो अपना है ना बीपी से लेके सारी चीज एंग्जाइटी सब बढ़ा लेते हैं। अरे भाई उससे जो भी पूछा, उससे पूछा आपके फादर का नाम क्या, फिर वही उसके फादर का नाम चंपक था, आप दे दोगे जवाब कि सर माय फादर इज ऑल्सो चंपक, यू कांट से ना आपके फादर का नाम श्री श्री कुछ और है। सो रिलैक्स करो, ऑटो सजेशन इज ए मस्ट यार, ये हैबिट में होना चाहिए, इट इज नॉट ओनली अबाउट एसएसबी बट लाइफ में जिस चीज से डर लगता है, जो चीज फेस करनी है आप थोड़ा सा करके देखो, ऑटो सजेशन आई एम टेलिंग यू फ्री की चीज है, किसी को कोई पैसे नहीं देने, ठीक है, कोई बाहर जाके ढूंढना नहीं है, आप करो आपका हौसला बढ़ेगा, यू विल गेट, एंड एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आप अपना छोड़ो और अपने सामने वाले का हौसला बढ़ा दोगे कि दोस्त कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूं तुझे कैसे करना है, इधर आ खड़ा हो। सो ऑटो सजेशन इज ए ग्रेट थिंग, मस्ट डू, ठीक है, डेफिनेट मस्ट है ये तो लाइफ में। डेफिनेटली सर। सर एक पॉइंट और जो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं वो है टूर ऑफ ड्यूटी को लेके, तो सर वो टूर ऑफ ड्यूटी, टूर ऑफ ड्यूटी, अच्छा इसमें एक चीज बोलता हूं मैं, सी आई विल नॉट मेक एनी कमेंट, है ना, बिकॉज कमेंट मारना है थोड़ा सा मैं वो समझता हूँ, इट इज यू नो नॉट ए गुड थिंग, बट यस आई डू हैव माई ओपिनियंस, एवरीबडी हैज गॉट अ राइट टू हैव एन ओपिनियन, आई डू हैव वन, वो जरूर बताऊंगा। टूर ऑफ ड्यूटी मैंने बतेरे लोगों को देखा है, बड़े धुंधर लोग हैं आकर के ना, टूर ऑफ ड्यूटी पे ज्ञान फेल दिया किसी ने, इस पे उस पे आकर के दे स्पीक फ्लॉरी अंग्रेजी, ठीक है, और हो सकता है उसमें से एक आधा शायद डिसीजन मेकिंग में भी रहा होगा बट अभी आके कुछ और बता रहा है। टूर ऑफ ड्यूटी, मेरे को इस नाम से ही बहुत एलर्जी है ना, बिकॉज माई माइंड सेट एंड माई हार्ट टेल्स मी ना कि टूर एंड ड्यूटी ब्लडी कैन नॉट गो टुगेदर, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू हैव ए टूर और यू वांट टू डू ए ड्यूटी, मैं बड़ा क्लियर हूं उस चीज को लेके, अगर ड्यूटी करनी है साला ब्लडी देन यू कांट अफोर्ड दैट लग्जरी, आई एम ऑन अ टूर, नो, गेट इट आउट ऑफ योर हेड, गेट इट आउट ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी, ठीक है, डोंट गिव ए रॉन्ग मीनिंग एंड कनोटेशन टू दिस, आई कांट अफोर्ड दैट लग्जरी इफ यू आर कमिंग कि ओके अक्षय यू आर कमिंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी, I will never do that as a commanding officer or as a senior subaltern. I'll tell you, get it out of your head, Akshay. It is not a tour. You are on bloody duty. तेरे दिमाग में बिठाऊंगा, तुझे लगना चाहिए कि सर आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, तो अभी आप आगे बोलोगे सर आई हैव कम ऑन दैट टूर ऑफ ड्यूटी, मैं कच्चा खा जाऊंगा अगर मैं हुआ वहां पे, व्हाट बड़ी टूर, ड्यूटी करो, टूर पे मत निकलो, ठीक है, नाम इतना वाहियात है मेरे हिसाब से तो, ठीक है, अरे कुछ और रख लो नाम यार, ये फैंसी अंग्रेजी बिना सोचे समझे हवा में फायर कर दिया, और फिर कुछ नाम भी रखा है अग्निवीर, अरे नाम में क्या रखा है, तुम छोटा भीम भी रख देते इस पैकेज का नाम, तो फर्क क्या पड़ना था, छोटा भीम, मोटा भीम, अर्जुन है, अग्निवीर, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम डोंट गेट इम्प्रेस विद द नेम, नाम है पृथ्वीराज चौहान, किसी ने रख लिया अपना मूछे बड़ी बड़ी और चूहा देख के डर जाता है, तो नाम से क्या फर्क पड़ता है यार, दी आर ऑल फैंसी थिंग्स, बट पहला ऑब्जर्वेशन तो ये टूर ऑफ ड्यूटी, इसको हटाना चाहिए यहां से, ठीक है, डोंट पुट ए रॉन्ग सेंस इनटू द एनवायरनमेंट बाय सेइंग कि इट इज अ टूर, आदमी का माइंडसेट आप वैसे ही तैयार कर रहे हो, अगर मैं जैसे मैंने आपको बोला ना ओवर प्लेइंग ऑन फेयर, एसएसबी भाई एसएसबी बहुत खतरनाक है, बहुत मुश्किल है यार, हो ही नहीं पाता लोगों का, निकल जाते हैं, अलाहाबाद रिजेक्शन बोर्ड है, अरे क्यों यार डरा रहे हो लोगों को, वहां से सेलेक्ट नहीं हो रहे अलाहाबाद से, लोग हो रहे हैं वहां से भी, ठीक है, बोर्ड बड़ा है, ज्यादा लोग जाते हैं तो ऑब्वियसली रिजेक्शन रेट भी ज्यादा है। सो टूर ऑफ ड्यूटी में एक ऑब्जर्वेशन तो ये है मेरा कि ना यू कांट कॉल इट ए टूर, ठीक है, डोंट पुट रॉन्ग थिंग इन टू हेड ऑफ द यंगस्टर्स, नंबर वन। दूसरी चीज, लोगों के बड़े एनालिसिस देखे हैं उसमें, इससे फायदे क्या होने वाले हैं, इट इज गोइंग टू फिल द शॉर्टफॉल एंड डेफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, इट इज गोइंग टू कट डाउन ऑन द कॉस्ट ऑफ ब्लडी एनएस पेंशंस एंड सैलरीज, देयर विल बी मोर रेवेन्यूज फॉर द परमानेंट कैडर, एंड फास्टर प्रमोशन, बेटर प्रमोशन, अगेन बकवास बातें, तो तुम पहले डिसाइड करो यार किस चीज के लिए कर रहे हैं हम लोग ये,
अच्छे प्रमोशंस के लिए कर रहे हो आप, और पैसे की क्या कमी है? मैं कहता हूं पैसे की कोई कमी नहीं है, ना फौज में ना किसी आदमी के पास, ठीक है? पैसा सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। फौज आज तो खड़ी हुई नहीं है, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सेरेमोनियल चीजें हैं जो आप है ना करते हैं, चाहे वो फौज हो चाहे सिविल डिपार्टमेंट हो, हर जगह पैसे की बर्बादी मैंने बहुत देखी है। झंडे लगाओगे, पड़े पे चूना, खड़े पे गेरू, है ना, लाखों रुपया बर्बाद करते हो ऑन विजिट सेरेमोनियल, ठीक है? दिस डे दैट डे मत करो ना भाई। एक त्योहार है 15 अगस्त, आप बना लो, पूरी इंडियन आर्मी भी बना सकती है, एयरफोर्स भी बना सकती है, नेवी भी बना सकती है, कट डाउन मनी देयर, डोंट हैव सेलिब्रेशन फालतू के। हजारों यूनिट है, हर एक का बैटल डे है, हर एक का भी अपना रेजिंग डे है, कर दो बंद मेरी तरफ से। आप देखो एक साल में कितना पैसा बचता है। डोंट गिव दीज रीजन फॉर सेविंग मनी एंड ऑल दैट। मेरा आउटलुक क्या है इसमें, मैं कहता हूं आपको 3 साल के लिए लेकर के आना है, चलो आपके जो भी रीजन है प्रॉस एंड कॉन्स। मैं कहता हूं आप क्यों लेकर के आना चाहते हो, आप अपने अभी यूनिफॉर्म आर नॉट इशूड, ठीक है? इट हैज टू बी अर्न। आप किसी चीज की वैल्यू सस्ता बना रहे हो आप उसे। 3 साल का प्रपोजल है कि 3 साल के लिए फौज में आएगा आदमी, जिसमें 1 साल आपका ट्रेनिंग में गया, 1 साल ट्रेनिंग में गया, साल में 2 महीने छुट्टी ऑथराइज है, 6 महीने वो निकल गए, बाकी बचे 6 1.5 साल। भाई 1.5 साल के अंदर आप क्या रॉकेट तैयार करना चाह रहे हो? अखबार में और बाकी जगह तो बड़ा अच्छे देखा है कि वील यूटिलाइज दिन ऑपरेशंस इन इंटेलिजेंस सर्विसेज एंड दिस एंड दैट। अच्छा भाई सुपरमैन ही बना दोगे आप तो बिल्कुल 1.5 साल के अंदर उसको, है ना? और वो भाई फिर बोलेंगे हम रिटायर हो चुके हैं ना, रिटायर्ड वेटरन। क्या लोगों के घुटने चल के वेटरन बनने में भाई यार 1.5 साल भी लगा लेगा टैग ना, बोला आई एम वेटरन, प्राउड वेटरन। पर क्या सीखेगा, क्या करेगा ग्राउंड में यार? और अगर आपने ये पंगा लेना ही है, व्हाई डोंट यू टेक एनसीसी गाइस? इतना बड़ा महकमा है, बिगेस्ट एक्सटेंशन ऑफ आर्मी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। नाउ माय माइंडसेट टेल्स मी आपके रिजल्ट्स इतने पुअर हैं, हु इज टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर दिस? अगेन लाइक अकेडमीज, 50 सीट है आपके पास में एनसीसी में, अभी जो रिजल्ट आया है 35 आदमी है, बाकी 15 सीट कहां गई? कौन जिम्मेदार लेगा उसके लिए? कैबिनेट रिपोर्ट बना के कर देगी स्टैंडर्ड्स पुअर, ट्रेनिंग एंड ऑल दैट। करा क्या भाई, ऑफिसर्स पोस्टेड है सीनियर से लेकर के जूनियर तक, जवान एनसीओस एवरीबडी, हर एक आदमी जाता है 2 साल 3 साल टेन्योर काटता है, निकल जाता है आगे। इतने बड़े एक्सटेंशन में 50 सीट हमसे फिलअप नहीं हो रही, कमी किधर है? अब बोलेंगे इसमें भी है ना भैया आईएसआई का हाथ है, इसमें भी है ना फलानी पार्टी का हाथ है। ओ भाई यार हमारी प्रॉब्लम है 50 सीट तुमसे फिलअप नहीं हो रही, इतना बड़ा महकमा, इतने ऑफिसर जेसीओ एनसीओ होकर के, व्हाई वी आर नॉट एबल टू फिलअप 50 सीट्स? एंड आप क्यों इसको ओपन डोमेन में लेके आना चाहते हो, इतना सस्ता बना के टूर क्यों बनाना चाहते हो? आपके पास में ऑलरेडी प्रोडक्ट तैयार है, 3 साल आप उसकी ट्रेनिंग करा रहे हो एंड बहुत अच्छी टीम है जेसीओ एनसीओ, ऐसा नहीं कि भी लोग काम नहीं कर रहे, कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम। 3 साल आप उसमें लगा रहे हो, ठीक है? 3 साल में आपने उसको एबी सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग दी, जिसके अंदर कैंडिडेट्स की बुनियादी डिसिप्लिन जो सिविल से आएगा उसके मुकाबले मजबूत मिलेगा। ड्रिल उसने सीखी है, सावधान, विश्राम, सल्यूट कैसे होता है, आपको ट्रेनिंग में आसानी रहेगी उसको ट्रेनिंग देने में, वो अच्छा करेगा। क्यों? सीख रहा है 3 साल से। वेपन की बेसिक हैंडलिंग का कुछ एक्सपोजर आप एनसीसी में देते हो, यूनिफॉर्म पहनने का तरीका उसको पता है, उसकी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड सर्टेन ऑफिसर लाइक ओएलक्यूज आप 3 साल में कुछ तो डेवलप करते होंगे। आप इन्वायरमेंट का एक माहौल एक्सपोजर दे रहे हो उसको, जहां पे वो ऑफिसर्स कैंप आरडीसी, ठीक है, राजपथ पे बड़ी ये वो काफी कुछ सीख रहा है यार, इंटीग्रेशन कैंप्स कंडक्ट कर रहा है, कल्चरल प्रोग्राम्स, इवन अब्रॉड एक्सचेंज हो रहे हैं, उसका एक्सपोजर लेवल बहुत अच्छा है। आप वहीं से क्यों नहीं उठा लेते सीधा? आपको ट्रेनिंग में जोर कम लगेगा, आपकी ऑफिसर्स की डेफी भी पूरी हो जाएगी, ठीक है? और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो नहीं आ पाते हैं फौज के अंदर, उनका एक मोटिवेशन लेवल कितना अच्छा रहेगा। एंड इमेजिन जिस समय आप एनसीसी में करोगे अगले साल से, कॉम्पिटिशन लेवल सोचो एनसीसी एंट्रेंस के लिए कितना तगड़ा होगा। लोग बोलेंगे कि भैया अश्योर्ड है 3 साल तो भैया आपको ना टूर ऑफ ड्यूटी जो निकाला है इन्होंने, ये वाला तीर, वो तीर, अग्निवीर एंड छोटा भीम, ये इसमें भैया आपको मौका मिलेगा। एक माइंडसेट चेंज होगा लोगों का, यू नो, अभी क्या थोड़ा दौड़ा के दुखा ले लो, 2-4 सवाल पूछ लो, सलूट मार के देख लो, उसको एनसीसी में ले लो, आधे ज्यादा यू आर सेलेक्टिंग रट। नाउ द कॉम्पिटिशन बार विल गो हाई, लोग जोर मारेंगे एनसीसी माने के लिए कि भैया पहले 3 साल एनसीसी और उसका सीधा 3 साल यूनिफॉर्म लगा के काम करेंगे। एटलीस्ट आपको एक पका पकाया अच्छा फौजी मिल रहा है हु इज वेल ट्रेन, है ना? और कुछ चीजें हैं जो आप और बढ़ा सकते हो, 3 साल इज अ लॉन्ग टाइम, ऑलरेडी सेटअप है, रिसोर्सेज है, यू कैन गिव देम बेटर एक्सपोजर टू वेपन ट्रेनिंग, यू कैन गिव देम बेटर एक्सपोजर एंड एनहांस देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? आप जो वैल्यूज और ओएलक्यूज की बात करते हो, 3 साल यहाँ लोग 14 दिन में तैयार कर रही है अकेडमीज, हम बनाएंगे ऑफिसर लाइक क्वालिटी, तो यहाँ तो 3 साल है, तनख्वाह मिल रही है, प्रॉपर टीम है ऑफिसर जेसीओ एनसीओ की, वो 3 साल में ओएलक्यूज डेवलप नहीं कर सकते? आप टास्क दो उनका, मेक ये देर असेसमेंट,
and are more tough. Ki bhaiya, based on the performance of the candidate from your unit and your directorate, your reports will be assessed. Make it more apna, competitive. Aap dekho result kaise nahi aata nikal ke. आपकी कितनी रिक्वायरमेंट, आपकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी. सेटिस्फेक्शन लेवल अमंग द एनसीसी कैंडिडेट्स विल बी वेरी हाई. मोटिवेशन लेवल वेरी गो टू सम अदर लेवल. सिविल में लेके आएंगे. आई कंसिडर इज अ वेरी चीप पॉपुलरिटी. मेरे को गिवन मी चॉइस, आई विल पिक अप एवरी कैंडिडेट फ्रॉम एनसीसी 3 साल के लिए. भाई पका पका माल घर में रखा है, नाक के नीचे रखा है. वहां पे बंदे पास नहीं हो रहे, फेल हो रहे हैं. 15-15, 20-20 सीट अंडर सब्सक्राइब जा रही है. लेकिन यहाँ नया मॉडल लाके तीर छोड़ेंगे और सिविल से भीड़ इकट्ठी करेंगे. 3 साल में आता है उस आदमी को, क्या वो होगी पलटन के लिए? 6 महीने छुट्टी काट ली, 1 साल ट्रेनिंग कर ली, 1.5 साल में. डू थिंक एज ए बटालियन कमांडर, इफ समबडी इज गिविंग मी प्रोडक्ट, आई विल टेल हिम क्योंकि लीड द ऑपरेशन. आई एम नॉट टेलिंग 100%, एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है, बट नॉट बियॉन्ड दैट. व्हाई शुड आई गिव बड़ी वेपन टू हिम एंड माय टीम की यू कैरी आउट ऑपरेशन. मुझे मालूम है कि वो शायद ना सोचेगा कि भाई यहां पे आया था, मैंने टैंक के साथ सेल्फी ले ली, मैंने हथियारों के साथ खींच ली, अब रैम्बो टाइप फोटो मैं पोस्ट करूंगा बाहर. जान देने में जोर लगता है. वो बोले पागल थोड़ी, घरवाली बोलेंगे बेटा अच्छा टाइम पास करके आ जाना, अभी फिर फालतू चक्करों में मत पड़ना एक्शन वैक्शन के चक्कर में. ठीक है सर, वो लगा लो बेरे और फोटो वोटो खींच लेना. नोबडी है ना इज देयर. ये दिल मांगे मोर वाला कंसेप्ट नहीं आता. ठीक है ना, वो चीज होनी चाहिए अंदर से. जब पता है आपको कि यू डोंट बिलोंग हियर, आप तो यार टूर पे आए हो. क्यों? आपने बताया, उसको नाम दिया कि बेटा टूर पे हो आप, ड्यूटी शूटी तो सेकेंडरी है. नाम में भी टूर पहले है, ड्यूटी बाद में है. तो भाई उसी माइंडसेट से आएगा. और जब पता है ये 1.5 साल बचे अपने पास में, तो भैया टूर में रहते रहते कौन आदमी है जो शहीद होना चाह रहा है? मुझे तो नहीं लगता. जिगरा चाहिए उसके लिए. बटालियन के जो एथोज होते हैं, आते हैं तो 3 महीने बटालियन में बोलते हैं कि 3 महीने जवानों के साथ रहेगा ऑफिसर, ताकि उसको पता लगे कि जवान कैसे रहता है, कैसे खाता है, क्या उसके दिखते हैं. ये कब सिखाओगे यार? मतलब सिर्फ आते ही सीधा अंडरवियर ऊपर पहन के, बेटा आप सिर्फ सुपरमैन हो, अभी आप टूर पे ड्यूटी पे निकल जाओ और 3 महीने में ना बस चमत्कार कर दो 3 साल में. कभी नहीं होने वाला. इट इज अ फेल्ड प्रोजेक्ट. द नेम ओनली इटसेल्फ सेज इट इज अ फेल. आई एम नॉट इंप्रेस्ड विद दिस फैंसी वर्ड टूर ऑफ ड्यूटी. यार नाम में टूर है ना, तो ड्यूटी होगी नहीं हो सकती. कोई भी एक सीओ मुझे बता दो हिंदुस्तान में, आप फोन करके पूछो किसी भी बटालियन कमांडर को, किसी भी जीओसी को, किसी भी कोर कमांडर को, आर्मी कमांडर को, हाउ कॉन्फिडेंट दे विल बी अबाउट सच प्रोडक्ट जो 1 साल 2 साल के लिए आता है यूनिट के अंदर. ठीक है, नो, नॉट गोइंग टू हैपन, नेवर. इसके कोई अच्छे नतीजे नहीं आएंगे. बाकी इंग्लिश मार के हम इसके फायदे कितने गिना दें कि हम पैसा बचा लेंगे. अरे कभी सैलरी काट दो, कभी कुछ और कटिंग कर दो, सारा पैसा इसी में बचा लो आप. अरे अपने प्रोडक्ट पे, दिस इज नॉट पैसा वेस्टेज, दिस इज इन्वेस्टमेंट. व्हेन यू इन्वेस्ट मनी इन द ट्रेनिंग और योर जवान ऑफिसर्स, ये इन्वेस्टमेंट है. पीपल से ना कि पैसा वेस्ट है, पैसा जहां वेस्ट होता है वहां कोई जिक्र नहीं है. सारे फायदे यहीं गिना देंगे कि पैसे कैसे बचेंगे, पेंशन से और इससे. दिस इज ऑल नॉनसेंस थिंग्स. दिस इज माई ओपिनियन, नॉट ए कमेंट. And I stand by my opinion. I don't know how far you agree with this, but नाम में अगर टूर है ना भाई, मेरे को नहीं पसंद. अभी इसीलिए शायद सर इस पे अभी policy decision हुआ नहीं है. Might the government might do a rethink because a lot of criticism has come in of the scheme. So let's see what sense prevails with the government. Sir, एक और aspirants की query आ रही है consistency को लेके, कि सर हम एक दिन तो जोश में रहते हैं, motivation में रहते हैं पढ़ाई को लेके, SSB को लेके, बट फिर आगे मोटिवेट नहीं रह पाते. तो सर वो कंसिस्टेंसी के इश्यू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कंसिस्टेंसी एक तरीका तो है भाई, मुझसे बात कर लेना. ठीक है, मैं ऐसा छितर प्रेरित करूंगा ना, जो भी कैंडिडेट है उसके उसके बाद दिन में है ना वो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी. व्हेन नथिंग वर्क्स बैम्बू वर्क्स. यार दोस्त ऐसा है भाई, टाइगर तेरा जो भी नाम है बच्चे, यार आप किसके लिए कर रहे हो? आप मेरे लिए या कैटरीना कैफ के लिए तो कर नहीं रहे. यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. इतनी बात तो तय है कि आप अपने लिए करना चाहते हो. आप ये नहीं बोल सकते सर देखा मैं यूनिफॉर्म आपके लिए लगा ली, सर आप हो गए खुश? मैं खुश तो हो जाऊंगा, बट बड़ी यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ यार. और आप अपने लिए ईमानदार नहीं हो. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि यू जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. अगर आप अपने लिए खुद ईमानदार नहीं हो, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता. एक हफ्ते ईमानदार रहोगे तो मोमेंटरी खुशी उतनी मिलेगी एक हफ्ते की. वो ऐड आती नहीं, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा. आप एक हफ्ता एफर्ट करो, आपके रिजल्ट भी कमेंसुरेटिंग टू दैट उतने ही आएंगे. अरे यार मैं कह रहा हूं मेहनत एक ऐसी चीज है, मेहनत करना हार्डवर्क इज अ रिवॉर्ड इटसेल्फ. मेहनत करने के बाद में भूख भी अच्छी लगती है, नींद भी अच्छी आती है, यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ. और मेहनत करने से आज तक हिंदुस्तान छोड़ो दुनिया में कोई नहीं मरा, तेरी जान को भी कोई खतरा नहीं होने वाला. लेकिन यार अगर ऐसा है सिर्फ एक हफ्ते करी कंसिस्टेंसी नहीं आई ना, तो एक काम कर एक दिन ब्रेक ले ले. मैं तो खुद कह रहा हूं डोंट बी अ स्लेव, एज राइटली पुट बाय अक्षय है ना कि डोंट बी अ स्लेव टू द वॉच कि 24 घंटे ये करना है. अरे 5 दिन पढ़ ले, 2 दिन
दबा के मस्ती कर, नहीं हो रहा तो 3 दिन दबा करके मेहनत करो, 1 दिन ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद में 2 दिन मेहनत करो, फिर 1 दिन ब्रेक ले लो, हफ्ते में कम से कम 5 दिन बहुत अच्छी मेहनत करी और 2 दिन ब्रेक ले लिया, आपका जो शैतान दिमाग है उसको भी थोड़ी तसली हो जाएगी, भाई मैंने 2 बार चीटिंग कर ली इस हफ्ते, बट 5 दिन कम से कम ईमानदारी भी बनी रहेगी। बट ऐसा नहीं हो सकता कि यार सर वो मन से ड्राइव नहीं आ रही, ऑटो सजेशन करके देखो ना यार, अपने आप को थोड़ा क्रिटिक्स भी करो ऑटो सजेशन में, कि ओ भाई तेरा शेर जागा था बैठ गया, इतनी थी तेरी औकात ना, 5 दिन तो बड़ा फन्ने करके घूमा, अब बैठा कुछ नहीं कर रहा, मोटिवेशन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो बारे मत भराओ, खड़े हो जाओ काम करो, ठीक है, नींद आ रही है जूते पहन लो बैठ जाओ टेबल पे, थोड़ा पुश करना पड़ेगा यार अपने आप को, यू नो थोड़ी जिद करनी पड़ेगी, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा ऑटो सजेशन करके देखो, ठीक है, एंड फिर भी अगर कुछ नहीं होना तो टाइगर एक बार कॉल कर देना मेरे को, स्पीक टू मी फॉर 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट के बाद में मैं तेरे पूछूंगा मूड बना कि नहीं बना, एंड दैट मच टाइम आई कैन ऑलवेज गिव यू एवरी वीक, जैसे तेरी मुरली डाउन जाती है गिव मी कॉल एंड जस्ट टेल मी सर 5 मिनट्स टाइम फॉर चित्र परेड, आई विल टॉक टू यू, आई विल मोटिवेट यू, आई विल गाइड यू, बट 5 मिनट में तेरे को फिट करके भेजूंगा मैं, दैट्स माई कमिटमेंट टू यू, ठीक है, नहीं तो लोग आगे निकल जाएंगे, आप यहीं रह जाओगे। ग्रेट, तो सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज शुरू के सेशन थ्रू आउट द एक अंडरलाइन जो थीम रही कि जो जितनी भी बड़ी कोचिंग एकेडमीज एंड इंस्टीट्यूशंस हैं दे वर्क ऑन टू फोल्ड प्रिंसिपल, या तो वो ललचा के भेजते हैं वो टॉपर्स के पेड वीडियोस और वो, या वो डरा के भेजते हैं कि अगर कोचिंग नहीं ली तो फेल हो जाओगे। सर हैज एन टेकन कोचिंग फॉर SSB एंड आई ऑल्सो पर्सनली नेवर टू कोचिंग फॉर SSB एंड वी बोथ वर एबल टू सेल थ्रू द SSB प्रोसेस इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो we are not the only persons, a lot of people have sailed through the SSB provided they are motivated in themselves and they have a broad idea of the processes. So don't fall for that trap ki coaching is a must. If you follow the strategy that sir has told, I guess that should be more than enough. And also sir is taking a lot of classes, so you can just contact him on Instagram एंड यूट्यूब पे भी काफी सारे सर ने सेशन अपलोड किए हैं, वर्दीशाला पे भी वी हैव डन अ सेशन एंड अगर आप लोग चाहेंगे तो सर वुड ऑल्सो टेक अ लॉट मोर सेशन सर। सो सर फाइनल पार्टिंग एडवाइस टू द टाइगर्स ऑफ टुमारो। ओके, फाइनल पार्टिंग एडवाइस ये है कि यार जो है ना कि प्लीज डोंट वेट फॉर टुमारो, टुडे एंड नाउ इज द बेस्ट टाइम। अभी जैसे रिटन एग्जाम खत्म हो गया अक्षय एंड यू आस्क्ड एट द स्टार्टिंग, आई विल फिनिश एंड विद द सेम नोट, है ना सर तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, यार अभी करनी चाहिए, व्हाई नन ऑफ द एकेडमी इज कमिंग, अभी पहले आंसर की के लिए आएंगे लोग, है ना आंसर की के बाद में फिर अगली स्टेज में अकेडमीज, मैं अभी तो मैं आई हैव स्टार्टेड है ना अंडरस्टैंडिंग देयर अपना स्ट्रेटजी, पहले आएगा आंसर की, फिर उसके बाद में वीडियोस आएंगे, हमारे यहाँ पढ़ाए हुए देखो इसमें से कितने क्वेश्चंस आ गए हैं, दूसरा ये है ना हमारा पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन, हमारा पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चंस, अरे यार स्टॉप ईटिंग है ना अदर्स बाय, आपने अपना काम कर दिया कि अच्छे सिखाया, यू शुड बी हैप्पी, कहीं तो तसल्ली रखो, कहीं तो आदमी को तसल्ली होनी चाहिए, चलो हमने बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया, मैं हैप्पी, मेरे देखिए इसे 50 सवाल आ गए, मेरे इसे 15 सवाल आ गए, एंड लोग बोलते हैं हाँ यार यहीं से भर रहा है पेपर, एंड बहुत बड़ी नॉनसेंस यार, अगेन दे आर ट्राइंग टू शो यू कि देखो हम कितने इंटेलिजेंट हैं। फिर तीसरी फेज में क्या आएगा, तीसरी फेज में फिर उसके बाद में आएगा एनालिसिस ऑफ द पेपर, नाउ द डिटेल एनालिसिस बाय एक्सपर्ट फलाना दिखड़ा ऑफ द पेपर, इतने नंबर से ये आया इतने नंबर से, वो यार एनालिसिस ही करते रहना, पढ़ना मत कभी भी, है ना, क्या करना है एनालिसिस करके, कोई मतलब तुमने रजिस्ट्री करानी है कि सर देखा मैंने एनालिसिस किए थे कॉपीराइट्स मेरे पास है, अरे तुम्हें पास फेल से मतलब होना चाहिए, पास हो गए तो अगली स्टेज में जाएंगे SSB के लिए, फेल हो गए तो फिर करते रहना एनालिसिस, डोंट वेस्ट इट, एंड तीसरी फिर वो आएगी प्रोडक्ट है हमने एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस ऑफ द पेपर, फिर कुछ लोग सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है अक्षय, एंड उसके बाद में दे विल बाय एंड वेस्ट टाइम लाइक दिस, एंड फिर एक दिन नोटिफिकेशन अपलोड होगा आर्मी वेबसाइट पे, एयरफोर्स और नेवी वेबसाइट पे, और तब दुकानों के ताने खोलेंगे, दे से बूम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नाउ, बैच सो एंड सो फॉर इंडियन सीरियस, एडमिशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नाउ, 20% ऑफ फॉर द फर्स्ट कैंडिडेट्स एंड 10% डिस्काउंट, टेक माई नेम एंड बड़ी टेक दिस अकेडमी दैट अकेडमी, ऑल दिस बड़ी बवाल यार, है ना, ये तब ड्रामा शुरू हुआ, वाई नॉट इवन सिंगल अकेडमी इन द कंट्री हैड अनाउंस सो फार कि भैया हम आपको एग्जाम खत्म हो गया, जिस जिसको श्योर है कि भैया वो फेल हो गया या होने की पूरी उम्मीद में है, स्टार्ट योर ट्रेनिंग नाउ, वी आर स्टार्टिंग बैच टूडे, एक दिन के आराम के बाद में, नो नोबडी वॉन्ट्स टू वर्क एक्स्ट्रा, कोई नहीं करना चाहता मेहनत, क्यों, वो रिकॉर्डिंग उसी हिसाब से है कि भाई नोटिफिकेशन तकरीबन इतने महीने पहले आता है, उसी समय हम ये सब ड्रामा शुरू करेंगे, 3 महीने के 2 महीने का हम बनाएंगे कैप्सूल, उतने अपने रिकॉर्डेड है वीडियोस और वो हम चला देंगे, लोग सुनते रहेंगे अपने पैसे आते रहेंगे, अरे यार तुम वेट करते रहोगे, मैंने देखा 75% लोग फोन कर, सर वो कब शुरू हो रही है सर ट्रेनिंग,
सर वो कब खुल रहे हैं? बस जल्दी हो रही है, बस अभी हो रही है, लोग बिजी रहते हैं। अरे यार, डोंट वेट फॉर एकेडमिक, रिटर्न की तैयारी करने के लिए कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर बहुत ही ज्यादा कमजोरी है किसी सब्जेक्ट के अंदर, देन ऑफ कोर्स यस, है ना, वन कैन टेक गाइडेंस एंड कोच ले सकते हो आप। ये कोचिंग बुरी चीज नहीं है यार, आईएएस के लिए भी लोग ले ही रहे हैं, है ना, एंड नीट और जेई के लिए भी लोग लेते ही हैं, तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट सिखाने का जो तरीका है ना, उससे मेरे को सॉलिड प्रॉब्लम है लोगों के। एंड व्हेन पीपल टेल मी कि सर आई हैड गॉन टू सर, वो बड़े सीनियर ऑफिसर है, वो, मैंने उन्हें क्या बताया? सर बोला प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो भाई तुमने पूछा नहीं यार कॉमन सेंस से, जब जरूरत नहीं प्रैक्टिस, या फिर पैसे किस चीज के लिए ले रहे हो मुझसे? सिर्फ यही गोल्डन एडवाइस देने के लिए, प्रैक्टिस नॉट रिक्वायर्ड। मैं तो कहता हूं भैया बेटा, यू रिक्वायर प्रैक्टिस फॉर एवरीथिंग। सो रिटर्न के लिए ना, दिस इज द मोडस ऑपरेंडी। और लोग बिल्कुल, अभी तुम देखना अक्षय, एक बार कहीं अभी यही होगा, पहले आंसर शीट, फिर उसका डिटेल एनालिसिस, फिर उसका मेरे, देखिए कितने क्वेश्चन फंस गए हैं, से मेरे कितने क्वेश्चन हैं, एंड देन आखिरी में ना उसके बाद में कि बैच स्टार्ट नाउ, मेरा नाम लेके इतना परसेंट एंड 20% डिस्काउंट टू फर्स्ट 50, ठीक है? और वो सेट टाइमलाइन के हिसाब से बिल्कुल फंक्शन करेंगे। व्हाई दे आर नॉट टीचिंग यू फॉर 8 मंथ्स यार? 6 महीने पढ़े पूरे, अभी बोलो ले लो फीस, अभी तैयारी शुरू कराओ, या तो वो फीस बढ़ाएंगे 6 महीने के लिए, ज्यादा काम करना नहीं चाहता, बोलो फीस उतनी ही रखना है, लेकिन 6 महीने पढ़ाओ हमारे को, कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? एंड व्हेन यू आर मेकिंग सो सिंसियर एफर्ट, आई एम टेलिंग, है ना, बट वही है अक्षय, यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। एनीबडी हु इज वाइज, ही नोज द क्वालिटी ना, वो रास्ता ढूंढते ढूंढते ही विल रीच आउट टू यू, यू नो। सर एक फाइनल क्वेश्चन एक एस्पिरेंट का है कि सर रिपीटर है और फ्रेशर है तो क्या हमारी एसएसबी की प्रिपरेशन में कुछ डिफरेंस होना चाहिए? बिकॉज बच्चे कह रहे हैं कि अगर एक बार हम फेल हो जाते हैं तो हमारे घर वाले कहते हैं कि कोचिंग ज्वाइन कर लो एसएसबी के लिए। घर वाले क्या कहते हैं उससे मुझे मतलब नहीं, आप क्या सोचते हो मुझे उससे भी मतलब नहीं, बट मैं एक पर्सपेक्टिव देता हूं आपको। पहली बात तो है ना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ फेलियर, ठीक है? जिसको आप बोलते हो ना मैं सर रिपीटर हूं, मैंने पहले भी बोला था, डोंट पुट द रिपीटर टैग ऑन योरसेल्फ कि सर मैं फेलियर हूं, मैं टैग हूं, मैं रिपीटर हूं। अरे मैं कहता हूं एक बंदा फ्रेशर जा रहा है, हालांकि उसका काम आसान है, बट आपसे थोड़ा सा ग्रिल आपको ज्यादा किया जाएगा, बिकॉज है ना आपको एक्सपोजर है उस एनवायरमेंट का। बट एट द सेम टाइम, रादर देन कॉलिंग रिपीटर, व्हाई डोंट यू लुक एट दिस वे कि यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड। आप वहां पे गए हो, आपको मालूम है कि कैसे माहौल बनता है, कैसे लोग बैठते हैं, ठीक है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द ब्रीफिंग, कैसे ब्रीफ किया जाता है, ऑफिसर कैसे बोलता है, किन चीजों में डांट भी पड़ सकती है, प्रेशर कितना रहता है, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो फॉर गॉड सेक, कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट, यू आर नॉट अ रिपीटर, यू आर नॉट अ रिजेक्टर, रिजेक्टेड कैंडिडेट, और यू आर नॉट अ फेलियर, यू आर अ गाय हु इज कैरिंग मोर एक्सपीरियंस। आपको ये पता है ग्राउंड पे चीजें कैसे होती हैं, यू ऑल्सो हैव बीन एक्सपोज टू द एनवायरमेंट वेर यू नो कि इंपॉर्टेंट डूज एंड इंपॉर्टेंट डोंट्स क्या है, कि ये चीजें करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए। फ्रेशर को बेचारे को क्या पता है? यू हैव गॉट अ कॉम्पिटेटिव एज ओवर दोज कैंडिडेट्स, तो आपके पास तो फायदा ही फायदा है, देयर इज नथिंग टू बी फेल्ट बैड और टू लूज अबाउट यार। सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करो, नंबर वन। नंबर टू, घर वाले बोलते हैं कोचिंग लेनी चाहिए, तो कोचिंग लेने से आपकी क्वालिटी में क्या फर्क पड़ेगा, ये मेरी समझ से तो बाहर है। डिपेंड करता है आपको सिखाने वाला कौन है, ठीक है? आपको क्या सिखाया जा रहा है, कैसे सिखाया है। अगर वीडियो देखने हैं, देखते रहो 50 जगह, ठीक है? कोई आदमी आपको बोल रहा है प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कोचिंग ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ले लो। कोचिंग बुरी नहीं है, ट्रेनिंग बुरी नहीं है, ठीक है? आप जिस तरह से तैयारी करते हो वो है। अगर आपको पूरा फेयर आइडिया है, आई नो एग्जैक्टली कि यस मैंने गलती ऐसे करी है, तो यार मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लेनी है तो कम से कम 10 अलग अलग अकेडमीज में ट्राई मत करो, कहीं तो मन टिका लो यार, कि चलो यार मेरे हिसाब से तो ये आदमी बेफन्ने का है, मैं तो इससे लूंगा, लो उधर जाकर के लो, क्या दिक्कत है? बट किसी एक जगह लो, 50 जगह वीडियो देखोगे, 4 जगह ट्रेनिंग लोगे, आपका रायता फैलेगा और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? सो रिजेक्टर मोड से बाहर आओ। आपका काम मुझे जो आपको लगता है ना हमारा तो बहुत मुश्किल है, मैं कह रहा हूं तुम्हारा काम ज्यादा आसान है। अरे तजर्बा आपके पास है, ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस आपके पास है, सही गलत का आपको ज्यादा अंदाजा है, तो आपका काम आसान होना चाहिए, मुश्किल होना चाहिए? आपने बोला स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, आपको और जोर लगाना चाहिए कि भाई मैं 4 बार 5 बार 10 बार एक्सपीरियंस करके आ चुका हूं, ऑब्वियसली मुझे पता है, मैं लाइव एनवायरमेंट पे इंटरव्यू देके आ चुका हूं, तो मेरे को थोड़ी घबराहट कम होती है, मैं पका हुआ खिलाड़ी हूं, ठीक है? तो वो आपको ग्रिल भी करेगा, आपका नॉलेज भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए दूसरे से, आपसे थोड़ी उम्मीदें ज्यादा है, ठीक है? सो बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उसके मुकाबले आपका तैयारी, आपका लेवल ज्यादा अच्छा होना चाहिए, दैट इज माई एडवाइस टू यू। On that note, sir, thanks a lot for your time. Aspirants would have gained a lot from this session. Sir, काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हाउ दे कैन रीच आउट टू यू, तो यू कैन रीच आउट ऑन सन्स इंस्टाग्राम एक्सेसिबल सर, सो एनी वर्ड्स फॉर देम सर?
I have given my number on Insta. It is written there. And I'll request you when you upload this session, if you can just give my number there also, Akshay, that will be a great help to these candidates and they can reach out to me. Sure, sir. We'll do that. Thanks a lot for your time, sir. Not at all. Pleasure was all mine, Akshay. Thank you, sir. So, guys, you can connect on sir's Instagram after this session. Yeah, you're audible, Akshay. Yeah. So, guys, you can connect on Sir's Instagram. The number available. We would also process the video and upload it where you would also find Sir's number. So, you can reach out there as well. Thanks a lot for your time, sir. We'll again try to take your time out again whenever students are anytime. Ready for another session, sir. Always at your disposal, buddy. Anytime you can give me a call, you'll find me with my parachute on. Thank you, sir. Thank you. Giant, sir. Good night. And God bless all the candidates who are there. God bless you, everyone. Bye-bye. See you.